वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में है? सुबह सुबह जरा नाश्ता वाश्ता सही करके आए, क्यों बड़े मजेदार फन पैक प्रोग्राम करने वाली हूँ मैं आज आप लोगों के साथ। वैसे प्रोग्राम के बारे में बात करूंगी, लेकिन चले आप, मैं आपको एक जरा क्लू देती हूँ। कसौटी खेलते हैं, गेस करते हैं, ठीक है? जब कोई आपकी नींद में खर्राटे बर्दाश्त करने वाला हो, ठीक है, बेवक्त लगी भूख मिटाने के लिए रातों रात कुछ पकाकर या बाहर ले जाकर खिलाने वाला हो, आपके शदीद गुस्से को बर्दाश्त करके दरगुजर कर जाने वाला हो, आपको शॉपिंग पे ले जाने वाला हो, सबर के साथ आपके थैले पकड़ ले या फिर आपको अपने थैले पकड़ा दे, आपको मशवरे देने वाला हो, आपके मूड स्विंग्स को समझकर आपको समझाने वाला हो, ये किस रिश्ते की बात कर रही हूँ? ये हो क्या, क्यों कह रही हूं मैं? कौन है ये? अल्लाह, बेचारी औरत तो हस्बैंड नहीं सोचेगी, हस्बैंड और वाइफ भी सोच सकते हो भाई। कहां कब तुम्हारे हस्बैंड ने भाई थैले पकड़े होंगे शॉपिंग पे? आजकल वो हस्बैंड नजर नहीं आते जो शॉपिंग पे थैले पकड़े हो, पीछे आधे थैले बीवी के हाथ में होते हैं, आधे हस्बैंड के, और बच्चे अक्सर मियां पकड़ लेते हैं। वैसे ये है, ये देखा गया है। वैसे तो जब शादी होती है ना नई, तो पता है क्या वादे और कस्में होते हैं सबसे? मेरे मियाँ ने मुझसे वादा किया था, हाँ निदा, मैं ना तुम्हें तुम्हारा घर छोटा सा फ्लैट खरीद के दूंगा। उसने वादा निभाया, मगर वैसे क्या होते हैं कस्में वादे? मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा, है ना? और बाद में क्या होता है? मैं तुम्हारे कदमों में अपना दिल रख दूंगा, यही लव लेटर्स में यही लिखा जाता है, मगर बाद में क्या होता है? आपके कदमों में क्या होता है? मियाँ के जूते इधर पड़े होते हैं, सॉक्स उधर उधर पड़े होते हैं, उसके बाद मियाँ ने जो तोहफे दिए थे, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं, वो बेचारे सब आपके आम, और वो सारी गंदगी जो वो फैलाते हैं घर में, वो सब आपके कदमों में आ रहे होते हैं। ये होता है, ठीक है? पहले क्या होता है? पहले ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें तुम चांद जैसी लगती हो, तुम्हारी मुमासलत चांद की तरह है, तुम चांद जैसी। उसके बाद क्या कहते हैं? हा हा, देखा है, तुम पूरी चांद ही हो गई हो, तुम पूरी की पूरी चांद हो गई हो। ये फर्क होता है। अच्छा, जब नई शादी होती है तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, प्लीज ना, तुम मम्मी के घर नहीं जाओ, रहने नहीं जाओगी? अच्छा चलो, बस 2 घंटे जाओगी, आ जाओगी, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, तुम्हारे बगैर मैं उदास हो जाता हूँ। और उसके बाद कुछ सालों बाद क्या कहते हैं? हाय हाय, इतने दिनों से तुम मैके नहीं गई, खुदा के लिए कुछ महीने ही रह के आ जाओ, मुझे सुकून मिले। कितनी जल्दी जल्दी चेंज ओवर आते हैं। अच्छा चले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपके उनने क्या क्या वादे किए थे शादी से पहले, मंगनी के दौरान या शादी के बाद? नए नए वादे क्या थे? वो जो ब्लैक चादर ओढ़ी बैठी हैं, उनको माइक पहुंचा दो फटाफट, जरा मुझे पता चले आपके जो सैया जी हैं उन्होंने आपसे क्या क्या वादे किए। ये नहीं पूछ रही कि निभाए कि नहीं, आप फिक्र ना करें, पोल पट्टियां नहीं खुलेंगी, लेकिन वादे क्या क्या किए, कुछ याद है? हाँ सब बताओ भाई, मौका मिला। आप वादे किए तो नहीं थे, पर निभाने में जो है वो ज्यादा डिपेंड करते हैं, कहने में कम और करने में ज्यादा। क्या था वो बताओ? किया कुछ नहीं था, कोई तो वादा किया होगा, कोई तो वादा किया होगा, तुम्हें सोने की चुड़ियां तुम्हारे हाथों में भर दूंगा, ऐसे ही होते ना? नहीं, कुछ भी नहीं कहा था, करने पे मैं कह रही हूँ ना, ज्यादा कर दें, कुछ भी वादे, कुछ भी वो नहीं करे थे। यार बड़ा बोरिंग कपल था तुम लोगों का, यार ये क्या बात? जरूरी है, जरूरी है, बातें क्या करते थे फोन पे? वो बोरिंग नहीं है, एक बंदा कर रहा है तो बोरिंग हो गया। यार फोन पे बातें क्या करते थे? अच्छा खाने में क्या पका? आलू गोश्त पका दिया अम्मी ने आज। जब फोन चलते ही नहीं थे, हमने बात ही नहीं की। डायरेक्ट शादी में शादी हुई है तुम्हारी, फोन तो कब से चलते हैं? कितने साल हो गए शादी को? मेरे 15 इयर्स हो गए यार। फिर तुम जरूर मोहल्ले के बच्चे को लव लेटर लिख के देती होगी? नहीं, ये तो फोन से पहले तो यही होता था, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए जी, यार जरा कोई इंटरेस्टिंग लव स्टोरी भी सुना दो ना, क्या वादे किए, आगे बढ़ाइए उनको, दीजिए जरा एक छोड़ के एक। अल्लाह, डर गई। हाँ भाई, क्या वादे किए दिला भाई ने? वादे कोई नहीं किए, पहले शरीफाना माहौल था ना यार। मैं कौन सी बदमाशी की बातें कर रही हूँ? शादी के शुरू के साल की बातें, शादी के शुरू। आपने तो कोई वादे किए होंगे उनसे? नहीं, मैंने। मैं आपकी अम्मी का ख्याल रखूंगी, जो आपकी बहन कहेंगी मैं जी जी करती जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं। कोई तो होगा जिसकी बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी होगी, शुक्र अल्लाह का।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे शोहर की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी शादी से पहले, वैसे तो अरेंज मैरिज है। अच्छा। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे शादी से पहले एक बार देख लें या मिल लें, बस और कोई ख्वाहिश और कोई वादा नहीं था। बस वो निकाह वाले दिन ही देखा, इसके अलावा तो नहीं देखा। कोई मार्जिन ही नहीं। फिक्स में देख लिया था। फिर घूंघट उठाओ तो पीको साइकिल निकले या मर्सिडीज है ना। खैर मेरी सास की चॉइस इतनी बुरी तो नहीं। अल्लाह नहीं था, आप तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बहुत अच्छी जी। आगे बढ़ाए जरा, कोई कोई सच बोलने वाली। आपको कोई वादा नहीं किया आपके हस्बैंड ने? आप इतना मौका ही नहीं मिला। शादी के शुरू में तो कोई वादा किया होगा? शादी के शुरू में बहुत से वादे हुए हैं। वही मैं पूछना चाह रही हूँ। अब आई ना आप सही मुद्दे पे। शादी के शुरू में क्या वादे हुए? तीन एक दो तो बता दो। मैं ये कर लूंगा, क्या? मैं वो कर मैं क्या लूंगा, अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर हाँ। मैं बहुत कुछ कर दूंगा। क्या क्या पहला वादा क्या था? तुम्हें चूड़ियों से भर दूंगा सोने की। बिल्कुल सोने से भर दूंगा। बिल्कुल जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर दूंगा। हाय हाय। थोड़ी थोड़ी हो गई होंगी? थोड़ी थोड़ी हो गई। अल्लाह करे और आपकी सारी ख्वाहिशें बहुत सी हो गई हैं। हाँ बस शुक्र है, ख्वाहिश नहीं है कोई, बहुत ख्वाहिशें पूरी हो गई। जरा आगे बढ़ाइए, जिनके मुंह पे हंसी आ रही है ना बहुत उनकी सुन। क्या हुआ? किसको? अरे आपको कहा? अरे आप मैं? अरे हाँ ना बताए ना, कुछ तो बताए। दुला भाई ने क्या बताऊं? वही जो दुला भाई ने आपको कहा था। मुझे हाँ। बोला कि मेरे माँ बाप की इज्जत करना हाँ। सबसे ज्यादा। अच्छा। और उसमें अल्लाह के करम से जो है ना आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा। और आपसे कोई वादा किया? मुझसे वादा करा कि आपको परेशान कभी नहीं रखूंगा, खुशी तो रखूंगा। किया कि परेशान किया नहीं, नहीं करा। आज मौका है माशाल्लाह, मुझे हर जगह पे ऑलरेडी हर जगह भेजता है, चलता है। नहीं मौका मिलने वाला। चले बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है जी 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 जी। हम एक छोटे सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले मैं कुछ बताती चलूं। ये जो इतना खूबसूरत मोहब्बत मोहब्बत वाला खेल हमने शुरू किया है, ये एक खूबसूरत कपल हमारे पास आने वाला है और उनसे हम उनकी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे, फिर लव स्टोरी के आगे जानेंगे, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है वो जानेंगे, कितनी टीम उन्होंने बनानी है, 6, 2, 12, ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये देखने के लिए कि वो लव बर्ड्स कौन है जो यहाँ आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का खूबसूरत प्रोग्राम खास तौर पे आपके लिए सजाया जा रहा है और पहली दफा हमारे शो में ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज, आपकी फेवरेट नूर अपने वली के साथ, मिस एंड मिसेज वली खान। बादलों के संग संग चल उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चल उड़ चले, सपनों की दुनिया बसाई, धुल प्यार की गुनगुनाई, चल उड़ चले, दिल का पंछी पुर पुर उड़े, दिल का पंछी पुर पुर उड़े, इश्क साला पॉजिटिव लगे, इश्क साला पॉजिटिव लगे। आपके सामने इतने कॉन्शियस हो गए ना, भूल गए कि इनको गोल घूमना है, ये अपनी जिंदगी के असल हीरो के सामने कॉन्शियस। एक्चुअली पहले हम हमेशा हीरो हीरोइन की तरह फिल्म प्रमोट जब कर रहे थे, इकट्ठे शोज कर रहे थे, इसी तरह हाँ वो मियां बीवी की तरह पहली दफा है, तो आई एम एक्चुअली वेरी कॉन्शियस। बैठ के इनसे बड़ी मजे मजे की बातें करते हैं। वली पहली दफा हमारे शो पर आए और नूर और वली एक साथ बहुत ही मजा आएगा, एक साथ प्लीज
करीब करीब बैठे ना, अभी तो शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, सुधी साल हुए हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच, आप दोनों का थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड आई वाज कंफर्टेबल कि मैं आपके शो पे जरा ज्यादा हम एंजॉय करेंगे। आप दोनों माशाल्लाह एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे को। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह नूर की हाइट और तो वली भी जो है वो उनकी भी हाइट अच्छी है। थैंक यू। अच्छा, हम परेशान है, कहाँ मिले दोनों? क्या फिल्म के दौरान ही कुछ कुछ होने लगा था? ये खुशखबरी कैसे हुई? ये एक्चुअली एक हम लोगों ने म्यूजिक वीडियो प्लान किया। अच्छा। उस म्यूजिक वीडियो में मेरी ख्वाहिश थी कि नूर उसमें मॉडल करें, एज अ मॉडलिंग मॉडल आए उसमें। अच्छा। और जो डायरेक्टर था वो कह रहे थे वो मान नहीं रही। फिर डायरेक्टर ने हीरो को बोला, सिंगर को बोला कि खुद ही आप मना लें जरा। बिल्कुल। बड़े कन्विंसिंग पावर है, मना लिया जिंदगी भर। नहीं, हम लोग एक्चुअली पहले भी काम कर चुके थे, एक शो किया था हमने इंग्लैंड में करके। अच्छा। तो आई न्यू हिम ऑब्वियसली, इनके वालिद साहब को भी, सबको, सब पूरा पाकिस्तान जानता है वली खान साहब को। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और ये पहले भी हम प्लान कर रहे थे एक वीडियो, तो उन्होंने कहा वीडियो करनी है, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। अच्छा, मैंने गाना सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। और फिर हमने वीडियो की, वीडियो में बहुत अच्छी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। वीडियो की शूटिंग यही थी कराची में, लाहौर में। लाहौर में, लाहौर में। और लाहौर फोर्ट के अंदर शूट थी और बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने देखा, मुझे स्पेशली जो वली में, क्या वली की अच्छी बात लगी? नहीं, अच्छी बात अजीब सा लगेगा सबको, लेकिन मैं देख रही थी कुछ सिंगर्स को नॉर्मली डांस तो आता नहीं है। हाँ, हाँ। तो उसने बड़ा उसमें डांसिंग एक बीट थी ना, मैं दूर से बैठी हुई थी, मैंने कहा अभी ये सिंगर जो है ना ये बहुत देर लगाएगा डांस का स्टेप करने में। मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने दूर से देखा तो ये ना एकदम से इसने डांस किया, ठक करके शॉर्ट होके दे दिया। मैंने कहा हो, मुझे तो रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो बहुत पहला फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पड़ा वो डांस का पड़ा। हाँ, अगर आप लड़का पसंद करना चाहते हैं तो उसको डांस अच्छा होना चाहिए, पहला पॉइंट। खूबसूरत लड़की आपको तभी पसंद कर सकती है। नहीं, बिकॉज मुझे देखे, बिकॉज आई पर्सनली आई लव डांस, और मुझे लगता है जिसमें रिदम है, जिसको रिदम की सेंस है और जिसको डांस करना आता है और गाना गाना आता है, तो वो अच्छा सही आर्टिस्ट है, सही आर्टिस्ट है। सो आई सेट कि अच्छा यार, फिर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर हमने जब वीडियो हम लोगों ने देखी तो हमने फिर प्लान किया कि यार चलो फिल्म करते हैं इकट्ठे। हाँ, उसी वीडियो में, उस वीडियो में प्लान हुआ, उसी वीडियो में प्लान हुआ कि इकट्ठे फिल्म करते हैं। अच्छा। और फिर फिल्म जब इश्क पॉजिटिव नाम रखा, फिर फिल्म में बिकॉज हम लोग कितना वक्त इकट्ठे गुजार रहे थे, काम कर रहे थे इकट्ठे, फिर ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही हो जाते थे हम लोग शूट आउट। तो आपको उनके साथ अच्छा लगने लगा रहना, टाइम गुजारना, इनका दिल ही नहीं करता था कि पैकअप हो। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में घंटियां बजना शुरू हुई वाली, ठीक है? तो फिल्म ये हमारे पहले दिन से ही बज गई थी, पहले दिन से बज गई, बज गई। लेकिन क्या कुछ एक दूसरे को बताया गया था या अभी सिर्फ आप लोगों को लग रहा था कि कुछ? शुरू में एक दूसरे के साथ हम लोग चेक कर रहे थे, हम एक दूसरे को रिजर्व थे और एक दूसरे को देख रहे थे कि ये कहाँ तक मिलन, ये सीरियस होगी नहीं होगी। मैं भी फ्लर्ट कर रहा था ऑब्वियसली शुरू में, ये फ्लर्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रही ऑब्वियसली, मैं कर रहा था और मुझे भी लग रहा था कि ये शायद फ्लर्ट तक ही है, लेकिन वो जो जो टाइम गुजरता गया अच्छी लगने लगी, बातें अच्छी लगने लगी। और आप एक दफा किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आई थिंक सो कि उसके साथ फिर आपको उसकी नेचर पता चलने शुरू हो जाती है और काफी चीजें फिर आपको आदत हो जाती है, आदत हो जाती है, आपको आदत हो जाती है। और तो इजहार मोहब्बत कब हुआ, फिल्म से पहले के फिल्म के दौरान? अच्छा, वो फिल्म से पहले ही हो गया था, जब हमने वीडियो वगैरह की, हम लोगों ने काफी इकट्ठे टाइम गुजारे थे, तो हमें पता था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा। और अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो फिल्म कर ली थी मैंने, वरना मैंने नहीं करनी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और वक्त साथ गुजारते हैं, तो वो हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली शुरू से मेरा तो यही था कि हाँ भाई क्या सीन है, शादी शादी करनी है, शादी करनी है, तो ये जरा भी थोड़ा सा टाइम ले रहे थे सोचने में। ऑब्वियसली पेरेंट्स से बात करनी है और माशाल्लाह ही सिंगर, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत सी खवातीन इनके पीछे पागल हैं, तो ये सोच रहे थे कि अच्छा क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने इनको अल्टीमेटम ये दिया था कि भाई करनी है तो बताओ वरना खुदा हाफिज। वक्त गुजारी नहीं होगी, हाँ चक्रांति वो नहीं हो सकता। फिर एकदम इन्होंने बोला कि नहीं फिर तो... वो नहीं, फिल्मों में दिखाते हैं कुछ दिनों का गैप आता है, फिर वली को फील होने लगा कि नूर बात नहीं कर रही है। ऐसे हुआ था, ऐसा हुआ था, बात नहीं कर रही थी और इनको लग रहा था कि अब ये, इनको जब समझ में आई ना कि मतलब ये चली जाएगी मेरी लाइफ से, फिर इन्होंने कहा नहीं लेट्स गेट मैरिड, ठीक है हमेशा के लिए रोक ले, अपना बना ले। अच्छा, अब देखिए सेकंड स्टेप आ गया कि घर वालों को कन्विंस करना, मतलब लाइक जैसे मेरी भी मुझसे शादी करनी थी यासर ने, तो वो अम्मा अब्बा को मनाना कि भाई
कलीग है, शो बिजनेस में है, तो वो सब तैयार करना? एक्चुअली हम लोगों की जब हम लोगों ने निकाह किया देन उस टाइम पे सिर्फ चुपके चुपके किया हमारे हमारे फैंस थे सब ना, मतलब हम लोगों ने इसलिए बिकॉज अनाउंस वैसे भी हम फिल्म कर रहे थे तो अनाउंस नहीं करना था, वो फिल्म फिर मुझे लग रहा था कि इफेक्ट होगी फिल्म कि जी हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनकी फिल्म देखने चले गए हम, सो हम लोग इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे थे. फिर हम लोगों ने बड़ी अच्छे फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहन वॉज देयर और फ्रेंड्स थे इसके, बेस्ट फ्रेंड्स थे मेरे, बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी डिड इट. और फिर जब आहिस्ता घर वालों को पता था, इसके भी घर वालों को ये कुछ है कुछ चक्कर के कभी भेज दिया करती थी. नहीं नहीं नहीं, मैं आलू गोश्त बना के भेज दिया था मम्मी को खुश करने के लिए. नहीं, वो मुझे वैसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत वेलकमिंग थे, बहुत उनकी इनकी बहनें भी इनके भाई भी इज्जत करते थे, इनकी अम्मी भी बहुत प्यार करती हैं, तो उनको उनको आइडिया था कि ये है कुछ. अच्छा, तो बस ये इसका इंतजार करते कि ये कब मानेगा कि हाँ हो गई है. देन दे एक्सेप्टेड मी अल्हम्दुलिल्लाह और फिर फिल्म की रिलीज के फिर रिलीज के बाद हाँ कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने ऐलान कर दिया. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्चुअली हम लोगों की आपस में लड़ाई हो गई थी. और ये लड़ाई कब हुई है? फिल्म के बाद. ओके, शदीद भाई लड़ाई हो गई. शदीद भाई के मैंने खुदा हाफिज अब मैं सुखा मैं बस कुछ मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते जा रहे हो. देन फिर एकदम इसने बिल्कुल कॉन्टेक्ट करना छोड़ दिया. टेक्स्ट भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रहे थे और इसने हर जगह से ब्लॉक कर दिए एकदम ही. मैं एक दिन तो बर्दाश्त करता रहा कि चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ. क्योंकि ये ना ये कर रहे थे, एक तो शादी अनाउंस नहीं कर रहे थे, दूसरा ये कर रहे थे कि ये सब लड़कियों को बता रहे थे कि मैं तो आई एम अवेलेबल. और लड़कियों से बातें चल रही थी. जब मुझे ये पता चला उसके बाद मैंने कहा यू नो व्हाट, इट्स गुड कि आप जाएं अपने रास्ते, इंजॉय करें, नो प्रॉब्लम. और मुझे पता था यही होगा कि ये करेंगे. फिर उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया हर जगह पर कि हम आर मैरिड. ये सही है. तो कोई धूम धड़कता हुआ? बिल्कुल फुल घर में. हाँ, मतलब बिकॉज मैं आई एम अ लिटिल प्राइवेट. आपने देखा होगा मैं अपने प्राइवेट चीजें, हम लोग प्राइवेट हैं. धूम धड़का फर्स्ट टाइम जब से ये अनाउंस हुआ तब से आई थिंक कोई ऐसा चैनल नहीं जहाँ से हमें कॉल्स नहीं मॉर्निंग शोज के लिए, बट हम लोग फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे हम लोग ARY डिजिटल के मॉर्निंग शो में आपकी स्पेशली नूर. एक्चुअली नूर की बड़ी अच्छी मुझसे भी बहुत अच्छी दोस्ती और इस चैनल से भी नूर से बहुत काफी हमारे पास एज अ जज रही हैं और तो वो कनेक्शन होती है, एक साइड कंफर्टेबल होती है, तो इसलिए भी माशाल्लाह माशाल्लाह. अभी भी जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और जितनी दुआएं हैं बुजुर्गों की वो सब लगे आज का शो देखने के बाद. अच्छा, नूर की अच्छी चीज क्या लगी वली को, जो वो एकदम होता है ना, मर्द ये सोचता है कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है. शादी वाली लड़की एक अलग होती है. नूर की आपको एक क्या चीज लगी जीवन भर साथ निभाने के लिए? मैंने और हम लोग ऑब्वियसली बैंड है तो हम लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं. हम लोग वैसे भी मशहूर हैं पाकिस्तान में, रागवर्स बहुत ट्रैवलिंग करते हैं पूरी दुनिया में. तो हम लोग तरह तरह के लोग मिलते भी थे और तरह लोग कह लेंगे, लड़कियां कह लेंगे, मिलते थे ऑब्वियसली. लेकिन नूर में एक स्पेशल चीज ये है कि ये एकदम मोस्टली लड़कियों में होता है कि अगर आप अवॉइड करो लड़की को तो वो पीछे पड़ जाती है आपके. चिपक जाती है कि नहीं क्यों अवॉइड कर रहे हो. और लड़कों को ये चीज अच्छी नहीं लगती, वो ईगो उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है. नूर में है कि नूर को मालूम होता है कि ये वापस खुद ही आ जाएगा, इसलिए ये बॉदर ही नहीं करती. और ये इसकी नेचर वाइज बहुत अच्छी है, मतलब नूर के मतलब बहुत लविंग है, सॉफ्ट हार्टेड है. और यार कौन सा दिन है यार, सुनो ये मियां वैसे तो तारीफें करते नहीं करते हैं यार, शो पे आगे हम दिखाते हैं इस तारीफ. एक्चुअली ये रियलिटी है और दैट्स व्हाई मैं कभी भी इसको जब भी खत्म मतलब ये होता था कि बस खुदा हाफिज है. कितने मिनट का गुस्सा होता है नूर का? दो दिन का. दो दिन का? अच्छा, दो दिन लेती हैं ये वापस. और अब तो आदत हो गई है कि मुझे मालूम है कोई लड़ाई होती है ना तो एटलीस्ट मुझे मालूम है कि थोड़ा टाइम दे दो, खुद ही नॉर्मल हो जाएगी. क्या जब ये उनको गुस्सा आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? कमरा छोड़ना पड़ता है या इनको अकेला छोड़ना पड़ता है?
नहीं ये एक इसके फेस पे आ जाता है कि बस गुस्सा आ गया. अब ये जब तक ये फेस नॉर्मल नहीं होगा ना तब तक मैं कुछ भी कर लूं. हंसाने की कोशिश करते हैं आप इन्हें गुस्से में. कोशिश करते हैं लेकिन इनकी ये इनका ये मुझे मना लेते हैं. अच्छा मुझे मनाना बड़ा मुश्किल काम है. मतलब मैं नहीं मानती हूँ. मतलब अगर मैं फैमिली से भी नाराज हो जाऊँ और मैं फिर अपने साइलेंट जोन में चली जाती हूँ. एक तो रोऊंगी और ये फिर मैं कहूंगी बस अब खत्म. मेरा ये होता है खत्म बस खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया ना. मतलब इट्स एंड ऑफ. अच्छा मेरे सामने नहीं रोएगी एकदम जाएगी और वॉशरूम में दरवाजा लॉक करके और सिस्कियों की आवाज आती. नहीं बस पता नहीं कितना रो रही होती है उसके बाद बाहर स्ट्रॉन्ग है ना. अक्सर खवातीन तो फटपट फटपट रोने लगती हैं. नहीं नहीं नूर स्ट्रॉन्ग है इस मामले में कि वो अपने आंसू छुपा जाती है और नहीं वो अपना ग्रज निकाल के उसके बाद वापस बाहर आती है. अच्छा फिर मुंह धोके. लेकिन ये है कि वली मुझे हमेशा मना लेते हैं और अगर हमारी लंबी लड़ाई हो तो इनकी एक अदा है वो जो मैं इनको आज बता रही हूँ ऐसे जरा वो ना हो जाए. वो ये है कि जी ये गाना बनाते हैं मुझे मनाने के लिए और वो फिर मुझे सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे. वो फिर गाना पूरा वो गाना मेरे लिए कंपोज किया होता है वो खास तब आपको मनाने के लिए. हाँ उसी वक्त बनाते हैं भाई. एक पुराना जिस सिचुएशन अभी लास्ट लड़ाई में जो गाना कंपोज किया वो वाला सुना दे. ये जरा सुनते हैं एक्चुअली वो तो उस वक्त भूल गए याद है सेव कर रहे हैं. कितना सताया वो उसी वर्डिंग जो जिस सिचुएशन होती है ना लड़ाई की उसी पे सोचते हैं वही वर्डिंग होती है फिर वही सिचुएशन में गाना वर्डिंग ऑब्वियसली वो उसकी तो याद है अगर जो भी याद हो जिस भी लड़ाई का. मैं वक्त नहीं हूँ रहना तू मन मेरा कहना. मैं वक्त नहीं हूँ रहना तू मन मेरा कहना. देखा मैं तेनू रोज जी करे की करा. दिल कवे जिंद अपनी तेथों बारा की करा. मैं किन्ना तेनू चावा मैं कल्ला जीना पावा. ये चीज बड़ी अच्छी है भाई. खुद गाना सिचुएशन के हिसाब से कंपोज करें और बेगम को मनाएं. अभी लास्ट वाला गाना इसलिए सुनाया क्योंकि उसमें पता लग जाएगा क्यों लड़ाई हुई थी. अच्छा वर्डिंग ये थी तनु कितना सताया तनु कितना रुलाया मनु. सोनी है सुना दो थोड़ा सा थोड़ा सा. तेनु कितना सताया तेनु कितना रुलाया मनु माफ करी सोनिए. तेनु कितना सताया तेनु कितना रुलाया मनु माफ करी सोनिए. मेरा रब जानदा मैं ता तेरे सिवा एक पल भी ना जी पा सका. मैं किन्ना तेनू जावा. जासूर लगा दिया. अच्छा नूर वली का गुस्सा कैसा है. डोंट आस्क बहुत बुरा. कितनी देर लगती है मनाने में आपको. अच्छा तो दो दिन लगते हैं इनको. अच्छा नहीं, मनाने में नहीं इनका गुस्सा ऐसा होता है कि अचानक गुस्सा आएगा और ये धार 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 कुछ बोल देंगे और इनको समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने कितना गुस्से में क्या कुछ बोल दिया. एंड आई एम वेरी सेंसिटिव और उसके 5-10 मिनट के बाद ही विल रियलाइज कि उसने गलत किया है. अच्छा तो 5 मिनट के बाद ठंडा हुआ गुस्सा. अगर तो मैं आगे से आर्ग्यूमेंट करूंगी जो मोस्टली मैं पहले करती थी अब नहीं करती हूँ. पहले करती थी लड़ाई बढ़ जाती थी. अच्छा तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती तो ये फौरन 10 मिनट बाद रियलाइज करके ना कहेंगे कि I'm sorry, you know, okay, मैं हाइपर हो गया. सॉरी करने वाला ज्यादा कौन है दोनों में. मिया. हाँ ही से सॉरी. अच्छा अगर एक साथ आपको ऑफर हो लाइक एक फिल्म और करने की कोई और प्रोड्यूसर हो या कोई ड्रामा करने की तो क्या आप लोग राजी होंगे दोनों. हाँ डेफिनेटली साथ काम करने में राजी होंगे. बल्कि इनको इनफैक्ट इन्होंने अनाउंस बोल दिया है कि मैं और किसी के साथ काम नहीं करूंगी. ओए होए इनके साथ काम करूंगी वरना नहीं करूंगी. अच्छा ये किसने आपने बोला है कि इन्होंने. इन्होंने बोला है. अच्छा तो मुझे तो एक्सेप्ट करना ही ना. ऑब्वियसली इज माय हस्बैंड तो अब वो व्हाटएवर ही वांट्स तो मुझे वही करना है. मतलब कि नूर किसी और के साथ काम नहीं करेंगी. नूर से वली के साथ काम करेंगी. अगर करना है भाई अगर या तो करो ही ना सुकून बैठो सुकून से करो. ठीक है होस्टिंग कर रही हो नो प्रॉब्लम्स.
लेकिन अगर तुम करोगी कहीं भी नहीं कर सकती ऐसे आपके बगैर नहीं ऐसे तो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो मतलब जिसमें हीरो लवी डवी कोई सीन ना हो फिर कर सकती हूँ कोई ऐसा फीमेल ओरिएंटेड वो हाँ इस तरह का बदला लेने लगा अकेले वाला वो कर सकती हूँ अच्छा लेकिन रोमांटिक डायलॉग्स वो सिर्फ वली के साथ चक्कर ही कोई नहीं है ना वो बहुत किसी के साथ बहुत पजेसिव है ना अच्छा चलो मैं ब्रेक के बाद ये पूछूं सवाल लेकिन चलो पूछ लेती हूँ आप सोच के रखिएगा ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं पूछूंगी आपसे आपने तो बताया कि नूर की नेचर आपको पसंद आई और क्या पसंद आया नूर का कौन सा फीचर आपको पसंद आया आंखें नाक होंठ गाल बाल क्या चीज है नूर में जो आपको अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करती रहेगी आगे चल के भी ये जानेंगे हम वली से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटी सी ब्रेक के ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ हमारे साथ शो पर है मिस्टर एंड मिसेस वली नूर और वली एक साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि वली को नूर का कौन सा फीचर है जो बहुत अट्रैक्ट करता है और करता रहेगा हमेशा इसकी स्माइल नूर हंस के दिखा दो यार एक दफा स्माइल का काफी फायदा लेती है एड्स हो फिल्म एक्टिंग हो कुछ भी हो स्माइल से ये किसी को भी जीत लेती है और नूर को वली की सबसे अच्छी चीज क्या लगी और सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है अच्छा वली की अच्छी चीज ये है कि ये बहुत जेन्युइन है अच्छा ये फेक नहीं है जो दिल में है वो बाहर हाँ दिल में है और बाहर और फिर वो मैं बिकॉज ऑब्वियसली मैंने भी इतने सारे लोगों के साथ काम भी किया है ट्रैवल भी किया हुआ है और मैं लोगों से मिलती भी हूँ तो आप जनरली अगर आप देख अभी किसी से भी मिले ना तो वो सबसे पहले तो माई गॉड आई एम फ्रॉम दिस बिकॉज माशाल्लाह इनका घराना इतना बड़ा है तो लेकिन इतने डाउन टू अर्थ थे यानी वो सो जेन्युइन जैसे ये अंदर से है वैसे बाहर से है कोई फेकनेस नहीं है भाई मुझे नानचने पसंद है तो नानचने पसंद है मुझे यहाँ का खाना पसंद है ये नहीं कि ओ माय गॉड आई विल ओनली गो टू दिस रेस्टोरेंट तो मुझे ये बात बहुत ही क्लिक की थी ना अच्छा। वरना ये प्रिटेंड कर सकते थे मेरे सामने जरा शो ऑफ करना ये वो बट ही वॉज वेरी हम्बल अच्छा ये इनकी जेन्युइन जो है मियां को जब उसकी मुंह पे भी जेन्युइन जो है वो चीज पसंद आई इनके फीचर में सब कुछ पसंद है सब अच्छा नहीं कोई एक चीज तो मीरा के ओवरऑल नूर को ये वैसे सोचा नहीं मैंने कभी भी मुझे इनका पूरी पर्सनालिटी पूरी पसंद कोई एक चीज मैंने वो कभी नहीं किया मुझे लगता है कि पूरा पैकेज आएंगे माशाल्लाह मतलब अच्छा माशाल्लाह अब अगर मैं गिनती करूं तो कितने साल हो चुके हैं शादी के दो साल पूरे हो दो साल काफी होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए हाँ बट वी नो इच अदर फ्रॉम फॉर 4 years नाउ अच्छा उससे पहले से भी चार साल हाँ, काम तो इसका मतलब कंपैटिबिलिटी राउंड में आप लोग पूरे उतर सकते हैं लेट्स सी तोहफे भी हैं आपको देने के लिए एक पुराना प्रोग्राम आता था तारिक अजीज का याद है एग्जैक्टली बहुत मजेदार ये एक्टिविटी रहेगी सबसे पहले हम वली से पूछेंगे नूर के बारे में देखते कि आपको नूर की पसंद का कितना अंदाजा है ठीक है अगर आपका जवाब सही हुआ तो वाटर कूलर आपका ओके जी पहला सवाल नूर को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है वली चाइनीज फूड ओके लाओ भाई जल्दी से लाओ इतनी देर लगाओगे तो कूलर वाटर कूलर जल्दी लाओ अभी पूरे आ जाओ भाई वाटर कूलर आपका हुआ ओके जी दूसरा सवाल गुस्सा कैसे करती हैं चीख कर या खामोशी से ये अभी इन्होंने नहीं बताया था ये खामोशी से कुछ और भी लिखा हुआ है एक खामोशी के साथ एक और चीज है और रोके ओके ला भाई ये क्या है व्हाट इज दिस देखिए अगर कभी
आपको कोई कहे किसी रोल के लिए बाल, माशाल्लाह इतने लंबे बाल हैं, नहीं बाल कटवाने को कह दे और आपको अपने पुराने बाल याद आए तो ये आपके लिए ये विग हाजिर है, ये आपकी हुई जी। नेक्स्ट सवाल, नूर सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह ये फजर के टाइम उठती हैं नमाज के लिए। कोई टाइम मुझे पूरा बताएं। 5:30, 5 o'clock। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी, इसमें लिखा है 7 बजे। हाँ लेकिन वो मैंने इसलिए कहा था बिकॉज वो ये सो रहे होते हैं जब मैं फजर की नमाज पढ़ती हूँ, शायद उनको याद नहीं होगा क्योंकि एक दो मरतबा डर भी गए ये मुझे देख के ना कि ये सुबह सुबह कौन है। एक दिन मैं सो रहा हूँ और इसने ना अभी वो दुपट्टा पे ऐसे ब्लैक कलर का ना अंधेरा होता है, मैं लाइट जाती नहीं, छोटी लाइट होती है कि चलो डिस्टर्ब ना हो, तो मैं ऐसे करके दुपट्टा मुंह के ऊपर है पूरा और नीचे एक बंदे ने सलवार कमीज पहन के खड़ी है ब्लैक और ब्लैक मुंह के ऊपर कपड़ा है अंदर से शक्ल नहीं है और ऐसे नींद में आगे खोली और मैंने कौन है कौन है बाहर नहीं क्या हुआ नमाज पढ़ी क्या हुआ। ओके अगला सवाल, नूर की घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है? यूके। ओके अगला तोहफा। ये यूके जाने के गलत मैं नेक्स्ट टाइम गलत बताऊंगा। फलाने फलाने बनाने वालों की तरफ से आपको मुबारक हो। ये यूके नया है, परेशान नहीं हुए, नहीं तो मैं भी ऐसे हाथ नहीं लगाती, मैं भी यूं पकड़ती, ये नया है। हाँ जी नेक्स्ट सवाल, यूके सोचो जरा जवाब क्या था यूके और मिला क्या? यूके में इसकी जरूरत पड़ती है वैसे। ये होती नहीं है वहां, वहां के सारे वो क्या कहते हैं जिससे पौधों में पानी देते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नूर को वली की कौन सी आदत बिल्कुल नहीं पसंद? मेरी काफी आदतें नहीं पसंद, सिर्फ एक बता दो जो सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। खबर है लड़की मुझे आवाज आ रही है मेरे कान बहुत ही ज्यादा ऊंचे काफी आते हैं, सोच रहा हूँ कौन सी आदत है। कोई एक बता दो ना जो ये बार बार बोलती होगी, एक तो मुझे तुम्हारी ये आदत नहीं पसंद आ रही, ये चेंज करो, ये अक्सर बोलती होगी, आपको भी लगता होगा कि ये आदत आपके अंदर खराब है। ऐसी चीज होती है जो बंदा छुपाना हो तो वो छुपा रहा होता हूँ तो उसकी आदत, उसको कह रहे थे कि क्यों छुपाते हो मुझसे बता दो झूठ क्यों। इसके अलावा चलिए मैं आपको एक और मौका देती हूँ, एक और मौका, ये अभी इन्होंने बताई भी थी इंटरव्यू में, अब भी अगर आप याद करें रिमाइंड करें जरा सा। मेरी आदत पसंद नहीं है। हाँ जो नूर को पसंद नहीं है। मैं कभी कॉन्सर्ट में ज्यादा खुश हो गया खुशी से बता रहा हूँ तो कॉन्सर्ट में क्या, उस कॉन्सर्ट के अंदर इतनी लड़कियां ही थी, इतने लोग थे, सीधा आदमी क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड। नूर को जो है ना ये आजकल लेटेस्ट ये आपकी आदत ना पसंद है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गुस्सा तो आता है, चलें कोई बात नहीं, आप एक तोहफे से महरूम। ओके कौन से 3 काम किए बगैर नूर का दिन पूरा नहीं होता? जिम जाना, और आगे बताते रहे, अपनी अम्मी की तरफ जाना। ओके और 3 काम बोले थे ना, और नमाज पढ़ना भूलती नहीं है, और आगे बढ़ते रहे, मैं आपको और मौका दे रही हूँ। 3 चीजों के बारे में तो बता दी आपको मैंने, दिन बुका मैंने सही थोड़ी है। 5-6 मौके दे दो, 3 चीजें तो सही होंगी। यही 3 चीजों के बगैर तो भाई इन्होंने लिखा है फेसबुक के बगैर इनका दिन मुकम्मल नहीं होता, और माँ और फातिमा, अम्मी और फातिमा दोनों से बात किए बगैर, चले उनके घर जाना तो बात भी हो जाएगी ना, एक बात तो सही हो गई और नमाज वाली भी सही हो गई। जरा वो तो बताती भी नहीं, बुरा लगता है ना बताना तो उसकी। तो एक और जवाब, 3 जवाब अब तक गलत हो चुके हैं। ओके अच्छा अगला सवाल, नूर को मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? 3 आपको दे रही हूँ मौके, चलें बता दें। ऑप्शन 1.5 घंटे 15 मिनट्स और तीसरा 15 मिनट्स लगते ही हैं, बस तीसरा भी 15 मिनट्स। हाँ ओके ये भी आपने 20 मिनट लगते हैं बीच की चीज़ों। ओके जी अगला सवाल, नूर का फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक जो पहना है रेड। ओके गोल्ड जवाब दुरुस्त, लाइव
रहने दें। बनाना बनाने वाले झाड़ू की तरफ से आपको ये मुबारक हो। सब नया है ये, मुझे लग रहा है मैं जहेज जमा कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये ले ले भाई, नया है। हाँ जी, ओके जी। अगला सवाल, नूर किस चीज की सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है? मेकअप। एक दो ऑप्शन आपको और दे रही हूँ। मेकअप और जूते बहुत। तीसरा ऑप्शन भी दे रही हूँ। सही रहे लेकिन हाँ मैंने कुछ और ही कहा है। और कपड़े वगैरह जो भी पसंद आ रहे हैं। हाय हाय, बैग्स बोला था इन्होंने, बैग्स। इनको बहुत सारे बैग्स माशाल्लाह काफी घर में काफी हैं बैग्स। तो वो इसलिए तो कह रहे हैं। अब लास्ट ट्रिप में बैग नहीं लिया ना, इसलिए लास्ट ट्रिप के अंदर से जूते खरीदे और बहुत जूते खरीदे। इतने जूते खरीदे मैं बता नहीं सकता आपको। नहीं आप मुझे बता दें। नहीं नहीं, ऑलमोस्ट किसी भी स्टोर में घुसी है तो जूते ही लेते हैं। जूते इतने लिए इन्होंने मैंने। कोई आपने भी पसंद किए कि नो तुम्हारे पैर पे ये अच्छे लगे? नहीं, जो दिखाती हूँ मैं बिल्कुल ठीक है, अब ले लो बस। लेकिन तो ऐसे ही होते ना। अच्छा मेरा हेयर कलर कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ अरे देखो तो सही। पहले ऐसे थे कि पहले नहीं थे ऐसे? नहीं ये पहले से ही ऐसे थे। ही डजंट नोटिस। ओके ओके, नूर की सबसे इरिटेटिंग आदत कौन सी है? वली इरिटेट कर इरिटेट करती हाँ। है इरिटेटिंग आदत कौन सी है, क्या करती है ऐसे? जब एक बात को बार सच सच बताना है, सच सच बताया। एक बात बार बार पूछती रहती है, पूछती रहती है। मैं अगर कि कहाँ गए थे, किसके साथ थे, मैंने आज किससे बात कोई भी बात की है तो उसने उसने वो बात को खींच देना इतना लंबा और अच्छा। वो बात कुछ होती नहीं है। खवातीन करती है ये आदत कौन सी है जो इरिटेटिंग है, जो आपको लगती है? ये मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है कि अगर मैं कहीं बोल भी दूं कि मैं बिजी था और या कहीं बैठा हुआ था। क्या सवाल करती? किसी लड़की के साथ थे या क्या? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? फोन ऑफ था। और वो तो ऑब्वियसली हर बीवी पूछती है फोन। तो वो जो हर बीवी करती है वो क्या होती है जो मर्दों को इरिटेटिंग लगती है आदत? पीछे पड़ जाना कि मैं एक बात के वो बहुत इरिटेट होता हूँ मैं। वहां तक पहुंचे ना, शक करती हूँ। शक करती है हर बीवी। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बहुत ही जबरदस्त इनाम से महरूम हो गए। क्या था अगला? वो नहीं नहीं अच्छी बात है। अच्छा अच्छा चले, ये सवाल तो 10 हो गए आपके, जिसमें से आपको कितने इनाम मिले? 1, 2, 3, 4 6 सवाल के जवाब गलत और 4 सवाल के जवाब दुरुस्त। जी अब जो है मैं नूर से पूछने वाली हूँ वली के बारे में। ठीक है, रेडी आप? चलिए। ओके, वली का फेवरेट कलर कौन सा है? नूर ब्लैक। और भी कोई कलर? हाँ थिंक नेवी ब्लू। ओके जबरदस्त, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू। हाँ बिल्कुल सही थी। ये सारी पावर आपके पास है, अपनी लड़की को भी दे रहे हैं कुछ। तो ये आप अगर तुमने कहा मैं इरिटेटिंग हूँ तो क्यों? फिर तुम अगली दफा आप किसी भी शो में जाएंगे तो यहाँ एक नील पड़ा होगा और आप कहेंगे मैं बिस्तर से सोते में गिर गई। अच्छा जी अगला सवाल, वली को नूर के हाथ से बना हुआ कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने वैसे इनको पसंद नहीं है मेरे हाथ का कोई खाना, इतना कोई एक खाना ऐसा पसंद, लेकिन मैंने चॉप्स बनाई थी तो इन्होंने तारीफ। और कोई खाना बनाया? और मैंने दो ऑप्शन और दे रही हूँ। मुर्गी बनाई थी एक दफा और कीमा। तीनों ही स्टेक 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 ग्रिल्ड फिश पसंद है इनको, आप घर जाके वही खिलाना आज। ओह हाँ ग्रिल्ड फिश मुझे याद नहीं रही ना, इतना कुछ बनाया इनकी इनको नहीं पसंद आता कुछ। नहीं आता, बहुत नकरीले हैं खाने में बहुत। मेरे लिए तो बहुत अच्छा खाना बनता है, मुझे इतना अच्छा खाना नहीं बनाना आता ना इनके घर में। तो सिंगर सुरीला खाना बनता है इनके घर में। खाना अच्छा हो तो फिर गाना भी नहीं अच्छा होता। तो कोई तुमने कोई कोर्स किया? नहीं कोर्स नहीं किया मैंने, एक दो दफा पकाने कोशिश किया फिर हाँ फिर मैंने कोशिश छोड़ दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, किचन में शेफ रख लेते हैं, आपको जब पसंद नहीं आना तो पॉइंट क्या है। अच्छा अच्छा, वली का कॉमन झूठ, आम झूठ जो बोलते हैं। वली का कॉमन झूठ ये होता है कि मैं भी पहुंच रहा हूँ, मैं 5 मिनट पहुंच रहा हूँ और वो 1 घंटा दूर होते हैं जगह। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मतलब जैसे भी अगर कहीं निकल रहे हैं या इवन मेरे साथ भी अगर कहीं जा रहे हैं किसी को झूठ बोलना ये होता है बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ लेकिन वो होते इतनी दूर है, मैं कहती हूँ क्यों झूठ बोल रहे पहुंचना ही नहीं। वली ने कहा मेरा कॉमन झूठ है कि मैं मीटिंग में हूँ या मैं बिजी हूँ। ओह ये मुझे पता नहीं था, मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। ओके ये झूठ है तुम्हारा, मैं तो सच समझती थी। ओके थैंक यू वेरी मच। अब तुम्हारी मीटिंग किसका बताऊंगी मैं, केड़ी मीटिंग? वली के मोबाइल का पासवर्ड अगर नूर को ना पता हो और वो मांगे तो वो क्या कहेंगे? यानी कि अगर नूर को पासवर्ड नहीं पता वली का और नूर वली से पासवर्ड मांगेगी मुझे पासवर्ड बता दो जरा, तो ये जवाब क्या देंगे? नहीं देंगे।
हैं? ये नहीं देंगे पासवर्ड. पासवर्ड नहीं देंगे? मोबाइल भी नहीं देंगे. मेरे पासवर्ड है ही नहीं फोन में. हाँ वैसे पासवर्ड नहीं है लेकिन है नहीं. हाँ. लेकिन देंगे नहीं. देंगे नहीं. और इन्होंने लिखा ये देखे मैं आप खुश हो जाइए इन्होंने लिखा है मैं दे दूंगा. झूठ बोला है इन्होंने. मेरे पासवर्ड इसलिए रखा ही नहीं है कि मांगे भी तो. लेकिन जवाब में लिखा है कि पासवर्ड मांगेंगी तो फोन देते ही नहीं. मेरा फोन हर वक्त मेरी जेब में होता है. खाना भी खा रहे हैं तो जेब में पड़ा हुआ है. निकलना ही नहीं है. निकलना ही नहीं है. अच्छा भैया अगला सवाल. वली का एक्सट्रीम गुस्सा क्या है? वली का एक्सट्रीम गुस्सा अभी बताया भी था. वो ही बोलते हैं ना बहुत ज्यादा. उनका कुछ भी बोल रहे होते हैं बहुत ज्यादा जोर से तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हाँ जब जोर जोर से बोल रहे होते हैं ना मतलब उसको उस चीज को क्या कहते हैं? वही लिखा है इन्होंने वही बोला है. गुस्से को? हाँ गुस्से से जब बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं उर्दू? डांट रहे होते हैं? नहीं नहीं बदतमीजी कर रहे होते हैं? नहीं बदतमीजी क्यों करूं? चीख रहे होते हैं? यस चिल्लाना. ओके शुक्र है मेरी दोस्त को एक चिल्ला ला भाई तो गुस्से कितने सारी फॉर्म्स है ना. कभी गीला नहीं रहेगा. इतनी सारी फॉर्म्स है ना गुस्से की के वो के पता नहीं चलता है. ये जी ये वैसे इनका शुमार उन मर्दों में होता है जो घर गंदा रखते हैं जो तौलिया फेंक देते हैं जूते बाथरूम गीला कर देते हैं. तो ये yes. आपको बहुत मुबारक हो. मैं कराची की इस पर आने वालों की तरफ से वाई फाई मैं ऐसे करती रहूंगी. अच्छा वली को अगर गहरी नींद से उठाया जाए तो ये क्या करती है? डर जाते हैं. कैसे मतलब? हाँ ऐसे डर जाते हैं. अच्छा. एकदम से इनको झटका लगता है मुझे और... और उठ जाते हैं या पानी डाल के उठाना पड़ता नहीं, है? नहीं उठ जाते उठ जाते उठ जाते हैं. अच्छा वैसे इन्होंने यही लिखा है कि जब इनको गहरी नींद से उठाया जाए तो ये उठ जाते हैं. उठ तो एक और जवाब दुरुस्त हुआ. वाह वाह ये तो आप नहर वाला भी जान वो ही राजा गाना लगा लूंगी. हाँ ये आपका हुआ. ओके जी अगला सवाल. वली टीवी पर क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं? ड्रामे या स्पोर्ट्स चैनल? मूवीज. ओके किस तरह की मूवीज? एक्शन एनी काइंड ऑफ. बहुत मूवीज देखते हैं. बिल्कुल सही दुरुस्त दुरुस्त जवाब. एकदम ये दुल्हा दुल्हन को किस तरह के तोहफे हम देंगे है ना. कभी पान खाएंगे आप तो मैं ये पकड़ के बैठी रहूंगी कि आप नहीं जब आप चाहिए इंशाल्लाह जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम पान खाएंगे. जब आप पान खाएंगे तो एक दूसरे के लिए आपकी यादगार तोहफा. वली की इरिटेटिंग आदत कौन सी है? नहीं सॉरी हाँ वली को नूर की कौन सी इरिटेटिंग आदत? मेरी इरिटेटिंग आदत मुझे लगता है यही जो झूठ मतलब नहीं सवाल ये है कि आपने जवाब उसी सेंस में दिया हुआ है शायद है ना कि वली की इरिटेटिंग आदत कौन सी आपको लगती है? मुझे जो लगती है झूठ बोलना इनका. और वली ने लिखा है बातों को खींचना या लंबा करने की आदत. वैसे ये काफी वो मेरे लिए बोलने से मिलती है. नहीं मेरी इन्होंने मेरा लिखा होगा कि बातों को लंबा खींचना मतलब लड़ाई को लंबा खींचूंगी और फिर उसी एक बात के ऊपर अटकी रहूंगी क्योंकि जब तक मुझे आपने इनके हवाले से इनके हवाले से मुझसे यही पूछा ना कि इरिटेट क्या लगती है बात मेरी बात ना तो उन्होंने ये जवाब दिया. अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. हमारा सवाल ये था कि वली की इरिटेटिंग बात कौन सी है जो नूर को लगती है. वली ने जवाब ये दिया जो वली को लगती है नूर की इरिटेटिंग. चलो इसका मतलब कि सही हुआ जवाब यही. आइए जी कोई प्रॉप है खत्म हो गई. ये क्या है? तुम हम मॉप पूरे तुम मियां बीवी जो घरेलू होते हैं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि हमको गंदे मियां बीवी हैं? हमारा घर बड़ा साफ है. आप कभी आए थे सही? मैं देखिए लग रहा है आपको लग रहा है मैसी हम लोग कहीं से लग रहे हैं. देखिए आप घर आके देखेंगे ना तो आपको कोई मिट्टी या कुछ नजर है. मैं तो सर्वाइव फ्रीक हूँ लेकिन मेरे काम आएंगी चीजें. इसीलिए मैं आपके काम की चीजें दे रही हूँ. जाहिर है आप ब्रांड आए दिन हमारी जो नौकरानी होती है वो यही होता है कि अब झाड़ू खत्म हो गई. ये आप पूरा मैं लेके जा रही हूँ. अगले महीने का आ गया आपके पास सामान. अच्छा जी वली को नूर की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? पता नहीं ये मुझे नहीं पता. कभी जिक्र किया हो कि मुझे तुम्हारी नूर ये बहुत बात अच्छी लगती है? मैं मान जाती हूँ शायद तो मनाते हैं और मैं मान जाती हूँ पता नहीं. बिल्कुल कुछ इसी तरह का है जवाब जो है वो कुछ मिलता जुलता. क्या कहा इन्होंने? हाँ कुछ इसी तरह का है. बताऊँ? बता दें या एक मौका और आपको दे. एक मौका और इन्होंने मुझे मेरे मुंह पे नहीं बताते ना कि इनको मेरी क्या चीज पसंद है. इन्होंने लिखा है कोई बात प्यार से समझाऊं तो समझ जाती है यानी कि अगर मनाऊं तो मन जाती है ना प्यार से. तो ये वाली बात है. एक और इनाम लेकर आओ भाई.
ऑफर है कुछ, हाँ कोई सरप्राइज है इसके अंदर, इसके अंदर सरप्राइज है क्या? खोलू? नहीं नहीं वो कह रहे हम नहीं, घर जाके खोल, घर जाके खोल। अच्छा चलो कोई ढंग का तो तोहफा आया, कुछ तो आया। हाँ जी वली, अगर नूर के कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करें तो नूर का रिएक्शन क्या होगा? बहुत बुरा, बहुत गुस्सा आता है मुझे। हाँ। और यही क्या करती है जब गुस्सा आता है, फिर उसके बाद जब घर आते हैं और इन्होंने आपके कॉल्स नहीं रिसीव, फोन क्यों ऑफ किया है? नहीं आप सवाल नहीं करूंगी उस वक्त, सवाल करूंगी या फिर मैं लड़ाई करके मतलब बात नहीं करूंगी इनसे, और टॉर्चर कर रही होंगी इनको इसी। हाँ। तरह से और तो कुछ नहीं करती है, इन्होंने लिखा है नाराज हो जाती हैं, बात नहीं करती। हाँ वही ना, बात बात नहीं करूंगी। तो सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त, आगे कुछ है खत्म। मेरी पैंपर भी आ गया, ये क्यों दे दिया भाई? पैंपर भी आ गया, पैंपर भी आ गया, ये भी देखिए आपको हम पूरे अब अगले दफा घर का राशन देंगे यही होगा, आटा चीनी दाल। तो देखते हैं कि कितने कितने इनाम किसके बाद हुए, एक दो तीन चार पांच और आपके पास छह सवालों के जवाब जो हैं वो नूर ने सही दिए हैं और यहाँ चार सवालों के जवाब दुरुस्त हुए हैं। तो जीत कौन गया? कौन गया नूर? मुझे यकीन नहीं था कि मैं जीतूंगी क्योंकि मुझे लगता कि इनको ज्यादा पता है मेरी आदतों का। आप जीत तो गई हैं लेकिन उन्होंने आपकी आदतें सही बताई थी तभी तो जीत पाई ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिस्टर मिसेस वाली हमारे साथ है, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी मस्तियां होंगी और आपकी सुबह को बनाएंगे हम खुशगवार तीनों मिलकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कन्नी मुंदरा पाके मथे तिल लगा के गल प्यार दी माला पाके पाकिस्तान। आज मिस्टर मिसेस वली हमारे साथ हैं, नूर और वली की जोड़ी जो कि आपने फिल्म में बहुत पसंद की अब वो हमेशा के लिए एक जोड़ी माशाल्लाह बन गई है और दोनों एक साथ हैं खुशबाश माशाल्लाह से। अच्छा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? होता है ना प्लानिंग करता है कपल, प्लान करता है कि हमारा एक छोटा सा घर होगा फलाना फलाना जगह और उसके बाद इतनी आबादी होगी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का घर ऑलरेडी है, वली का भी है, मेरा भी है, अब हम इकट्ठे हमारा अपना इकट्ठे घर है। अच्छा वो तो वो इस तरह का घर वाला प्लान कोई हमने नहीं सोचा लेकिन ये कि हाँ प्रोग्रेस इन लाइफ है कि मैं इनको कहती हूँ कि अब नेक्स्ट गिफ्ट मुझे ये चाहिए एनिवर्सरी पे, अब नेक्स्ट तो मेरे लिए घर बनाना और ये करना वो करना। दूसरा ये कि फैमिली प्लानिंग अभी तो कोई ऐसा कुछ नहीं है प्लान, बिकॉज ही इज ऑल्सो वर्किंग और अभी फातिमा बहुत हमारे लिए बहुत है वो माशाल्लाह शी टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो अभी अभी फिलहाल तो अभी ऐसा कोई अभी ऐसा कोई कोई सीन नहीं। अभी आप लोग अपने प्रोफेशन पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, काम ही इस तरह का हम सबका ही ऑब्वियसली शोबिज में जितने भी लोग हैं तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हुआ है लाइफ में, थोड़ा बंदा सेटल हो जाए देन उसके बाद बंदा सोचता है। अच्छा तो जब आप ट्रैवल करते हैं, नूर भी ट्रैवल करी होती है, आप भी कर रहे होते हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि साल के 12 महीने में से कितनी मुलाकातें होती हैं, मुलाकात हो पाती है, कितने महीने तक आप लोग साथ में? जैसा कि मोस्टली साथ ही होते हैं लेकिन इनका होता है कि 15 दिन का या इनका एक महीने का कोई टूर होता है उसमें। अच्छा। भी होता है कि यू नो ही विल कॉल मी, मैं चली जाऊंगी अगर बहुत ज्यादा दिन होंगे, इतने दिन मैं नहीं बर्दाश्त करती भाई जाना, हेलो किधर, नहीं चक्कर ही कोई नहीं। पहले ही बहुत ज्यादा ट्रैवल करते
تھا میری وجہ سے انہوں نے کم کر دیا بیکاز دیکھیے اتنی دیر دور رہنا آئی ڈونٹ تھنک اٹس اگر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اب یہ ٹریول کریں تو آپ ساتھ ان کے ساتھ چلی جائیں ہاں میں گئی ہوں ایک دو مرتبہ ان کے ساتھ بھی گئی ہوں فلم بھی ہم لوگ کر رہے تھے نا اس کی وجہ سے بھی ٹریولنگ کم ہوئی تھی کیونکہ فلم کے اوپر ساری شوٹنگس میں ہم لوگ اکٹھے تھے جب فلم نہیں کر رہا تھا دین اس وقت تو یہ حالت تھی کہ موسٹلی پاکستانی جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے ہم لوگ ہوتے ہی نہیں تھے پاکستان میں مطلب آتے تھے موم ڈیڈ کو مل کے پھر واپس چلے جانا کبھی انڈیا چلے جانا لیکن اب نور نے آپ روک لیا جی پاکستان میں نہیں ابھی کرتے ہیں اب یہ اس طرح سے پلان کرتے ہیں جو ریسپشن آپ لوگوں نے دیا تھا اپنے فرینڈز وغیرہ کو تو اس میں کیا پہنا تھا نور نے کس طرح تیار ہوئی وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہے کہ تصویریں آئی تھنک آپ دکھا رہے وائٹ پہنا تھا اور وہ میری دوست ہیں فائدہ سکلین انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اور انہوں نے گفٹ کیا تھا ہمیں اور اس نے وائٹ کلر کی شیروانی پہنی تو اچھی لگ رہی تھی ان کے اوپر شیروانی ہاں بہت اچھے لگ رہے تھے مطلب بیکاز ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ وی وانٹ ٹو ویئر وائٹ اور میک اپ وغیرہ کہاں سے کروایا میک اپ وہاں پہ ویسے تو لاہور میں سب سے دوست ہی تھے بنٹی اس نے میک اپ کیا تھا بٹ بیکاز وی وانٹڈ کہ بڑا سمپل بیکاز ایکچولی جو اسلام میں جو کلر ہے نا وہ ہمارا وائٹ ہے وہ وائٹ ہے تو وہ نکاح کا جو ہے نا وہ وائٹ تھا خوبصورت لگ رہا تھا بڑا وہ سٹل سا تھا پھر روزز ہی گاٹ می روزز وہ سیٹ بھی ہم نے پلان کر کے بنوایا پھر کھانا جو ہے وہ ہمارا فیوریٹ تھا کھانا بیکاز دونوں ہم بہت شوقین ہیں کھانے کیا کھانے کے شوقین ہیں ان کو ساگ پالک ان کے گھر میں ایک بنتی ہے بہت ہی مشہور وہ بنوائی تھی بریانی کے ساتھ بہت ہی مزے دار وہ مطلب دیسی ہی میں بنتا ہے اور وہ مطلب ایسی چیز واقعی میں نے بھی کبھی پہلے بھی زندگی میں کھائی تھی وہ ہم نے بنائی پھر فرینڈز جو جتنے سارے میرے کلوز فرینڈز ہیں وہ سب وہاں پہ تھے ان کی ساروں نے اتنی دعائیں کی اور جو بیسٹ پارٹ اس کا یہ تھا کہ ہم نے 14th February کو ویلنٹائن ڈے والے دن نکاح کیا تو یہ ذرا چلاک تھا نا ایک ہی گفٹ دینا پڑے گا نا اینیورسری ہر سال یہی ہوگا نا ہر سال ایک ہی گفٹ دینا پڑے گا اچھا اچھا کبھی ساتھ کوکنگ کرتے ہیں مل کر مطلب میاں بیوی کے اٹیچمنٹ کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ساتھ کوکنگ کرنا ساتھ گانا گانا ساتھ موویز دیکھنا تو ساتھ مل کے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ موسٹلی ویکینڈ پہ اگر ہم لوگ فری ہوں تو پھر ہم لوگ موویز تو دیکھنی ہوتی ہے مسٹ ہے اچھا اور کوئی اچھی مووی لگی تو سنیما جانا ہوتا ہے سنیما جانا بھی مسٹ دونوں کے یہ شوق ہاں ساتھ کھانا کھانا ساتھ موویز دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میں کوکنگ کم کرتی ہوں لیکن جب میں کر رہی ہوتی ہوں تو وہ ان کو کچن میں نہیں آتے نہیں کبھی کبھی ان کا بڑا موڈ ہوتا تھا کہ صبح صبح ناشتہ مجھے بنا دیتا ہوں اور مجھے بڑا کیوٹلی ناشتہ بنا کے دیتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ان کو ایک انڈا اپنا نا ایک سرٹن وے میں چاہیے ہوتا ہے تو وہ میں بناؤں گی تو کہیں گے نہیں تم نے اچھا بنایا میں خود بناؤں گا پھر خود ہی بنا لیتا ہے ڈبل فرائی چاہیے ہوتا ہے ڈبل فرائی چاہیے ہوتا ہے اچھا نخرے ہیں آپ کے ذرا سے کسی بھی چیز میں کہ نہیں استری اچھی نہیں ہوئی یا یہ صحیح سے پکا نہیں ہے بھنا نہیں ہے یا صفائی نہیں ہوئی جالی لگے نہیں ہوتا کھانے پہ بھی کمپرومائز نہیں ہے بہت اٹینشن ہے اٹینشن بہت چاہیے ہر وقت بچوں کی طرح ہاں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی میں نے اگر اگنور کر دیا نا مطلب کوئی میں ایک دن بزی رہی ہوں تم تو فری ہوتی نہیں ہو ٹائم ہی نہیں ہے تم تو اگر جیسے میں کراچی آ گئی پاکستانی میاں والی چیز ہے ہمارے میاں کی بھی یہی پرابلم ہے سب کے میاں بس تو وقت ہی نہیں ہے یہ امی کی کالیں بہت آتی ہیں سیریسلی امی کی کالیں ہر ٹائم ہی آئی ہوتی ہیں مطلب ان کی امی کی ان کی اتنی کالیں آتی ہیں ماشاء اللہ ہر ٹائم فون پہ رہتی ہیں ان کے ساتھ وہ امی آپ کو پتا ہے وہ بس ان کو جو مسئلے ہوتے ہیں انہوں نے مجھے کال کرنی ہوتی ہے اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا تو وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ امی سے کیسا ریلیشن شپ ہے داماد اور دماد جی والا وہ بس ٹھیک ہے سٹارٹ پلس والی ساتھ ہیں یا وہ کچھ دمادوں کی بہت بنتی ہے اور کچھ دمادوں کی اباؤں سے نہیں بنتی اماؤں سے بنتی ہے جیسے میری میاں کی میری امی سے بہت زیادہ بنتی ہے لکی ہے پہلے نہیں بنتی تھی اب بننے لگی شادی کے کچھ سال بعد دونوں مل کر میری برائیاں کر رہے ہوتے یہ چیک کر ہوتے اچھا میں نے ایک سوال یہ پہلے بھی کیا تھا کہ کچھ ہسبینڈ ہوتے ہیں جو خود گھر کی صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور کچھ ہسبینڈ جیسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ہر چیز پھینک دینی ہے آرگنائز نہیں ہوتے یہ کیسے ہسبینڈ ہیں یہ آرگنائز نہیں ہے لیکن گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اچھا ان کی کبرڈ جو ہے وہ مجھے ہر وقت سیٹ کرنی پڑتی ہے اور پھر یہ شکایت ہی ہوتی ہے کہ تم تو میرا خیال ہی نہیں رکھتی دیکھو میری کبرڈ شرٹ نہیں مل رہی بھائی کتنی بار سیٹ کروں 100 دفعہ سیٹ کی ہے تمہاری کبرڈ ایک شرٹ نکالیں گے نا تو ساری در 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 ہو جائے یہی میں پوچھنا جا رہی ہوں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے 2 دن شاید نہیں کی ہوگی 2 دن پہلے بھی آنے سے پہلے بھی میرا تو کوئی کیسی بیوی ہو تم میرے کوئی پتہ ہی نہیں ہے میری ساکس کدھر ہے یہ کہ بھائی میں نے سب کچھ سیٹ کر کے
देखा, आपने फिर खराब कर दिया। हाँ। अब आप खुद ढूंढने, मैं क्या करूँ। मैं अक्सर हमियाओं की होती ना, देखो सॉक्स ढूंढने गए थे, एक है ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है पाकिस्तानी मियाओं की। ऐसी बात नहीं है एक्चुअली, आपने ज्यादा बैचलर लाइफ जब गुजार रहे होते हैं तब फ्रेंड्स के साथ, तो आपको आदत नहीं होती कि उस वक्त आपके मौजे कौन सा माल रहा होता था। फिर बीवी आ जाती तो फिर ये क्या है, फिर होता है कि ये अब ऑब्वियसली फिर वो इंसान के अंदर आ जाती कि अब रेडीमेड मेड तो कई है जो बगैर छुट्टी की, बगैर छुट्टी की छुट्टी नहीं। अब देखें यहाँ से जाते हुए आपके आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हाँ, होंगी घर की हाँ, और वो फिर वैसी होंगी जैसे सभी कर रहे होते हैं। और क्या, फिर उस वक्त हाँ, कोई फिल्म स्टार नूर नहीं होती, चक्कर ही कोई नहीं, वो घर में, वो तो घर में सबसे पहले यही होता है हाँ, कि फिल्म स्टार तो आप जिस दिन फर्स्ट डे मिली थी मुझे नूर, तो पहली फोन पे यही बात हुई थी मुझे कोई स्टार बन के नहीं दिखाना, फिल्म स्टार होंगी लोगों के लिए, मेरे लिए ऑब्वियसली तब फ्रेंडशिप की चाहिए, एक फ्रेंड हो हाँ। जब फोन पे फर्स्ट टाइम बात की थी अच्छा, मैंने कहा क्योंकि मेरे घर में जब आंख खोली तभी स्टार्स देख लिए इतने ज्यादा हाँ, हाँ। अपने अंकल्स को, कजन्स को, सबको हाँ। तो अपने अंदर भी नहीं कभी मेरे अंदर भी कोई चीज नहीं आई हाँ। भाइयों में नहीं आई हाँ। तो ऑब्वियसली मैंने इसको भी बोला कि मेरे मुझे स्टार बन के माय गॉड, इतनी अंदर चीज है इनके, इतना इनका इनका स्टार है। मैंने इनकी फैमिली में किससे दोस्ती है वली की, सबसे इनकी फैमिली में, मेरी फैमिली में मेरी बहन से दोस्ती अच्छी, फारिया के साथ अच्छी दोस्ती है, मतलब मेरी बुराइयां शराइयां जब लड़ाई होती है एक कोई साथी होना चाहिए। हाँ ये है, वो दोनों है, दोनों शुरू हो जाते हैं। मैं कहूंगा ना तो वो और अपने अपने ग्रज निकालेगी ना, वो कहेंगे वो तो आपने सही कह रहा है, तो मेरे साथ हुआ है, कैंसेरियन होते ही इस तरह है, कैंसर है उसका साथ तो होते ही इस तरह है। मेरी माँ मेरा लियो है, हमारे मियां का भी लियो है ना, हमें सब पता है ना, हाँ बस बस वही है। बुशरान सारी कहती है कि लियो का मतलब है सिर्फ लिए ही जाओ, लियो ना कुछ। बिल्कुल सही मतलब है, बिल्कुल सही है कि बस जब भी जो लियो आपके साथ अगर होगा आपका स्पाउस तो बहुत डोमिनेट हाँ, करेगा। अच्छा वैसे नेचर वाइज आप दोनों में मुझे मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि नूर भी मुझे लगती है डोमिनेटिंग, मगर वली ज्यादा डोमिनेटिंग है लियो स्टार के मालिक। हाँ क्या लगता है आपको, दोनों डोमिनेटिंग है? नहीं वली है डोमिनेटिंग। अच्छा हम लोगों के आई थिंक पार्ट्स हैं कहीं कहीं, ये होता है ना कि वैसे तो ये बहुत डोमिनेटिंग है एंड आई लिसन टू हिम, मेरे खैर में मुझे टेंडेंसी भी है शायद हाँ। यही बात उनको पसंद भी आई थी कि मतलब अगर ये डोमिनेट करते तो मुझे अच्छा भी लगता है कि ठीक हाँ। है यार उसका हक है उसकी हाँ। उसको आई एम हिज वाइफ एंड ही इफ ही सेइंग, अगर ये पजेसिव है तो मुझे अच्छा लगता है वो, तो ये डोमिनेट करते हैं मुझे कुछ बातों में, मैं कर रही होती हूँ जैसे अच्छा। भाई ये क्या हो रहा है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी हाँ। तुम ऐसे नहीं पहनोगे या हाँ। ऐसे नहीं जाओगे, इससे बात नहीं करोगे हाँ। तो मतलब हम लोगों का बड़ा बैलेंस है हाँ। जहाँ पे उसको डोमिनेट करना चाहिए वो वहाँ करता है, जहाँ मुझे डोमिनेट करना चाहिए वहाँ मैं। स्पोर्टी है, एक्सरसाइज, भागना दौड़ना, रनिंग, साइकिलिंग, ये आप दोनों ये बहुत आजकल तो हर टाइम यही बात होती है, जिम जा रही हूँ मैं इन फ्यूचर ऑब्वियसली, मैं अभी एक दो तीन प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट शेप में बॉडी लेके आने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, ये नेचुरली फिट है। होते होते ही नहीं, नहीं नहीं भाई इतना माशाल्लाह खाना पीना सब कुछ हाँ। है, नान छान पायश है, टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है, नहीं मोटे होते तो मैं इनके साथ, इसलिए जब से माशाल्लाह हम साथ हैं तब से मैं बड़ा मुश्किल कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वेट लूज हो जाए, बट वी एंड अप ईटिंग टुगेदर, तो हो पता भी है खाओ तुम खा क्यों नहीं रही, तो फिर मैं खाती हूँ मुझे लग जाता है इनको लगता है। जैसे मैंने अभी कहा था इंट्रो में कि अक्सर मियां जो है ना वो कस्मे वादे शुरू में होते हैं शादी से पहले, जी मैं तुम्हारे चांद तो तारे तोड़ के नहीं, ये कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी नहीं ऐसा कहा कि चांद तारे तोड़ूंगा, और क्योंकि ये तो कर सकते हैं कि आप हमारे बस सेट के ऊपर तारे और चांद तोड़ लें, इतना तो कर सकते हैं नूर के लिए। नहीं नहीं नूर के लिए काफी कुछ किया है मैंने लाइफ में, चार साल में करके दिखाने वाले हैं कि अच्छा नूर ने थोड़ी हेल्प करनी है। अच्छा क्या करना, आइए आप दोनों आइए जरा, काफी चांद तारे तोड़ने हैं। अच्छा जी आ जाए, आंखें बंद होंगी इनकी। अब देखिए आपने करना क्या है कि आपने अपनी वाइफ के लिए, अपनी खूबसूरत वाइफ के लिए, वो बीवी जिसके जिसकी स्माइल आपको बहुत पसंद है, उसके बाल बहुत प्यारे हैं, जो आपको स्माइल के चक्कर में टांग तोड़वा लूंगा उसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चांद और तारे तोड़ने हैं सीढ़ी पर चढ़कर हमारे सेट के यहाँ पे ऊपर okay. और अपनी बीवी को दे देना, या फिर वो दोबारा वही हो जाएगी ना चीज, चांद तोड़े के चांद और तारे तोड़ के ले आए आप, और आपने ये सब पूरी दुनिया देख रही है, जिसने और कहा था ना मैं गलत कहा ये बात सच हो जाएगी,
ये लिखेंगे लोग कि वली ने नूर को चांद तोड़े तारे, वली मुझे सारी जिंदगी सुनाएंगे, मैं तो चांद तारे दे दिए तुम्हें, मुझे पता है ना ये मिल गए तुम्हें। अच्छा वली, लेकिन शर्त ये कि आपकी आंखें बंद होंगी और आप नूर की आंखों से देखेंगे। नूर आपको बताएगा ये कौन सी एयरलाइन से ली है। नॉट अ बैड आइडिया, मुझे लगता है किसी होगी यहीं कहीं की कोई एयरलाइन। चले हाँ जी, आइए करीब जाके पहनिएगा ताकि सीढ़ी ऊपर चढ़ जाए। और ये बास्केट का क्या करना है? ये बास्केट लेके जानी है साथ? हाँ, नूर गाइड करेंगी ना, तो ये बास्केट ये खुद ही पकड़ेंगे ताकि इसमें ये जमा कर सके। नूर और मैं यहाँ खड़े होंगे और मेरे साथ आ जाए नूर, चले जाएंगे ना वली? हाँ। अच्छा अब नूर आपने वली को बताना है कि चांद किस तरफ है, राइट पे जाए लेफ्ट पे जाए, क्या चीज दूर? हाँ तुमको बढ़ाओगे, सामने है बिल्कुल तारा एक, बस और ना जाना ऊपर, टकराना शुरू हो गया तारे आपसे। नहीं हाँ ये ऊपर बढ़ाओ, राइट 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 ऑन योर राइट, ये तारा पकड़ लिया आपने, तोड़ ले, लाइट भी आ सकती है आपके ऊपर। नहीं 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 आएगी, वो पक्का काम हुआ। अच्छा, आगे लेफ्ट लेफ्ट करो, हाथ सीधा, हाँ ये कर लो तोड़ लो, हाँ ये ठीक है, ओके वेरी गुड। मैं नहीं भी बताती तो दिल भी आ गया साथ, दिल भी आ गया साथ, अपने सर के ऊपर बिल्कुल, अपने सर के ऊपर, अपने सर के ऊपर बिल्कुल, अपने सर के ऊपर वली, वली आपका सर कहाँ गया? वली सर अपना सर इधर उधर है क्या? ये ओके, राइट राइट राइट, जूता नहीं चाहिए मुझे, ये ठीक है ठीक है ठीक है, जूता ओके, आगे आगे ध्यान से ध्यान से, थोड़ा पीछे 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 पीछे, लेफ्ट 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 पीछे लेफ्ट, नहीं नहीं ये नहीं, सुनिए सुनिया नहीं खिला रहे, एक मिनट तुम लोग चुप तो करो ना, उसकी आवाज उसकी आवाज उसके कानों तक। नहीं नहीं ये छुरी नहीं, नहीं नहीं ये पीछे आ जाओ, पीछे थोड़ा सा अपना पीछे, अपने सर के पीछे आप चाहें तो उधर के सीढ़ी भी इधर उधर कर सकते हैं, अपने सर के पीछे ये ले आओ बैग, ठीक है? नहीं नहीं बैग नहीं चाहिए, आसमान से कौन बैग चाहिए? ये ओके ओके, आई थिंक काफी हो गए चांद तारे, नहीं अभी अब हमारे टाइम है। अच्छा ये लगे, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, जाने दो जाने, आगे आगे करो हाथ, आगे आगे राइट राइट, इसी डायरेक्शन राइट, इसी डायरेक्शन में हाथ आगे करो, राइट राइट राइट, आगे क्या लेफ्ट जाना, पीछे जा रहे ये मालूम, आगे जा रहे पीछे जा रहे, आगे करो ना तुम्हारे सर हमारे आगे, ये आगे आगे इनका पीछे चल रहा है ये, हाँ आ जाए आ जाए आ जाए, और इसके आगे भी है एक और सितारा, कितना टाइम रह गया हमारे पास इसी जगह के आगे? अच्छा ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, चलो ओह बड़ा जबरदस्त भाई, सही जा रहा है सही। और एक अगर थोड़ा सा इधर हो जाओ और, लेकिन तुम्हारा हाथ मिल जाएगा ऊपर चढ़ना, 10 कुछ नहीं है, 9 बहुत, 8 लेफ्ट लेफ्ट ध्यान से, 7 ये ले, 6 5 साथ ही लेफ्ट पे, यही साथ ही है ये, 3 हाँ इधर ही है लेफ्ट लेफ्ट, ये हाथ, एंड 1 भाई काफी काम हो गया भाई, काफी तारे तोड़ दी। ओके भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा अच्छा रहा। अब नूर ये देखें आप गिन सकती हैं आपको माशाल्लाह, कितने तारे हैं, कितने तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 तारे और 3 चांद, वाह जी। अब क्या मांगती हो बीवी जी? अब आप डायलॉग बोले ना, फिल्मी हीरो फिल्मी हीरो, लो तुम्हारे लिए डायलॉग तो बोले कि मैं ये को तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आया हूं, फिर मैं क्या करूं? कुछ तो करो। कुछ और ला के दो, सूरज ला के दो। आजकल की बीवी ऐसी ही है। ये मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम कभी खुश नहीं होती, लेकिन एक बात है कि जो भी अगर मैं कभी मुंह से कोई चीज निकाल लूँ ना, अगर मैंने इनको इससे कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो सुन लेंगे, उस वक्त चुप हो जाएंगे और कुछ ना करके वो चीज आ जाती है, मेरे लिए ले आते हैं। अच्छा भाई मुझे पता है कि मियाँ जो है वो बहुत कंजूस होते हैं बीवी से मोहब्बत का इजहार करने में, हमने एक ब्रेक पे जाना है, मगर वो ब्रेक आप दोनों लेंगे, आपने अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करना है और फिर अपने तरीके से ब्रेक पे। रियली वो तो होस्ट है इसलिए मैंने ये उनको नहीं दिया काम करने को, वो कर लेंगे, आप करके दिखाएं तो मान जाओ। बेगम आपके सामने डायलॉग आपके दिमाग में, देखो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के, अभी भी तुम्हें मेरे प्यार पे इतबार नहीं, इसलिए तुम लड़कियों के पीछे उनको फोन करती हो, उनको कहती हो कि उनको रात को तंग क्यों कर रहे हो। मैं लड़कियों के पीछे? आपकी लड़कियां मुझे फोन करती हैं क्या? आप उनसे बातें करते हैं? एक्चुअली ये कॉल करती है। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ ब्रेक के बाद,
उतनी देर मैं बताता हूँ कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। सीरियसली मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस वली यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बहुत मजे की गपशप कर रहे हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले भाई उन्होंने चांद तारे नूर के लिए तोड़ के दिए हैं और बड़ी शर्मा शर्मा के मोहब्बत का इजहार किया। ये वाकई इतनी शर्मीले? नहीं। अब आप इतनी सारी लड़कियों के सामने शर्मीले हो जाते हैं? नहीं, इतनी सारी लड़कियों के सामने तो ये खुल जाते हैं। ये सिर्फ मेरे आगे शर्मीले हो रहे हैं, आपके आगे हो रहे हैं अभी। आप कुछ तो रहने दीजिए। कोई थोड़ी सी शर्म और है, बाकी है जी। अच्छा, आपने बताया कि आप तो इनको गा के बनाते हैं, इनके लिए तुम पोस्ट करते हैं गाना स्पेशली। नूर आपको कैसे मनाती है? नूर? हाँ, नूर ने लाइफ में मुझे 3 से 4 दफा मनाया होगा, ज्यादा नहीं मनाया हो जब से 4 साल में। हाँ। बट मेरा अंदाज बहुत अच्छा होता है, बड़ा स्टाइलिश होता है। बड़ी पहले गिफ्ट भेजेंगी। अच्छा, यू नो, फ्लावर्स भेजूंगी, फ्लावर्स भेजेंगे, गिफ्ट भेजेंगे, फिर केक आएगा। मतलब घर में किसी बच्चे का हाथ? नहीं, कोरियर करवाएंगी। कोरियर कराते हैं? ओ माय गॉड, एक ही घर में रहते हुए फिर मुझे भी नहीं पता होगा, एक मेरे नाम का एक पार्सल आएगा उसके अंदर। अच्छा, फ्लावर्स, चॉकलेट, फिर उसमें कपड़े इनके, परफ्यूम, जो भी, मतलब उस टाइम मेरा फेवरेट चीजें होती हैं, सारी होती हैं। ओह है, और अब ये चीजें देख के तो मान ही जाता है। ये देखिए कितनी मासूम खातून है हमारी, ये आपके आपके बोलों से, आपके गानों से पट जाती है। और आपको, आप तो बड़े महंगे शख्सियत हैं। गाने भी काफी महंगे बनते हैं। जो इनको मुफ्त में बना के मिल जाते हैं। नहीं, गाने के साथ गिफ्ट भी भेजते हैं। अच्छा, हमेशा कोई ना कोई बैग लेके देंगे कभी। अभी लास्ट टाइम एक दफा मैं लड़ी बीच में, नाराज होने का फायदा, मतलब नुकसान नहीं है, फायदा है, फायदा ही होता है इसलिए। और इनको पता है ना कि चीज पे मान जाएगी। अच्छा, अक्सर क्या होता है, देखिये मियाँ बीवी की जब शादी होती है तो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू चीजों के बारे में अलग अलग होते हैं। हाँ। फिर दोनों की आइडियोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता एक हो जाती है, या तो मियाँ की बात मानने लगती है बीवी कि हाँ तुम सही कह रहे थे, या बीवी की बात मानने लगता है मियाँ कि हाँ तुम सही कह रही थी, मेरा फैसला गलत था। ठीक है, तो अब आपके पास दो बोर्ड जिस पे लिखा है जरूरी है और जरूरी नहीं है। अब देखना यह है कि आप लोगों की जिंदगी में क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है, ये देखना है। इसको हम पकड़ेंगे? ये मैं आपको दे देती हूँ उठा के। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये हम लोग आप सवाल करेंगे? जी, मैं सवाल करूंगी, आपने जवाब दिए बगैर सिर्फ बोर्ड को आगे ले आना है कि जरूरी है, दोनों को एक दूसरे को देखे बगैर। अच्छा ठीक, कि ये जरूरी है आपकी जिंदगी में या जरूरी नहीं है। ओके, पहला सवाल, महीने में 4 दफा आउटिंग जरूरी है या जरूरी नहीं है? ओके, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरूरी है। एक दूसरे की तारीफ करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? शुक्र है मियाँ ने कहा जरूरी है, बीवी तो कहती है कि जरूरी है। 12 बच्चे होना जरूरी है या जरूरी नहीं है? तुम लोग कौन हंसा, ये कैमरामैन हंस रहे हैं पीछे? क्यों, आप लोगों के 12 बच्चे हैं क्या? अच्छा, एक दूसरे का कराची किंग्स टीम बन जाएगी फिर। एक दूसरे का मोबाइल चेक करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी है, हर बीवी का यही नारा, जरूरी है। और मियाँ कहते हैं जरूरी नहीं है। नूर, अपने हाथ से वली के लिए नाश्ता बनाना जरूरी है या नहीं है, दोनों बताइए। बीवी का मियाँ के लिए नाश्ता बनाना जरूरी है कि जरूरी नहीं? मियाँ कह रहे हैं जरूरी नहीं है, बीवी कह रही है जरूरी है। इतनी बातें सुनाते हैं मुझे, जब मैं नाश्ता नहीं बनाती तो मुझे इतनी बातें सुनने को। अभी आप कह रहे हैं जरूरी नहीं है। जरूरी तो स्वीट। हाँ जी। अच्छा, नूर नाराज हो जाए तो क्या वली को गाना गाना गा कर नूर को मनाना जरूरी है या जरूरी नहीं है? नूर कह रही है जरूरी नहीं है, लेकिन वली कह रहे हैं जरूरी है। ये देखिए, आप भी कोई ताना दे ना। नहीं, वो ऑब्वियसली गाने भी मानेगी, वैसे तो मानेगी नहीं। अच्छा, नूर के साथ वली को शॉपिंग पे जाना जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। और वली कह रहे जरूरी है, क्यों? ये क्या चक्कर? ये बोर हो जाते हैं, मुझे तंग करते हैं, फिर मुझे टाइम चाहिए होता है कि यार जल्दी करो, क्या हो गया है। हाँ। ये ले लो जल्दी करो, जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है। और आप क्यों कह रहे हैं जरूरी है? क्योंकि वो शॉपिंग के बाद मुझे डिनर करना होता है, इसलिए जरूरी है, क्योंकि अकेला खाना नहीं खाया जाता। अच्छा, मैं जरूरी है, साथी होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर ये होती है, मतलब घर में है तो इसके साथ लाजमी डिनर पे जाना है। आउटिंग का शौक है आप दोनों? हाँ, बाहर खाना खाने का बहुत शौक है।
बहुत घर में नहीं बाहर खाना खाना। अच्छा नूर का हर वक्त तैयार रहना जरूरी है या नहीं? ओए होए बीवी कह रही है जरूरी नहीं लेकिन मियाँ कह रहे हैं जरूरी है, चलो तैयार रहा करो भाई, बाहर रहना पड़ेगा। मियाँ की ख्वाहिश है, आपको अच्छी लगती है सजी सवरी ब्लो ड्राई हुआ हवा? ऑब्वियसली हां सही, लेकिन तारीफ नहीं होती तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, फिर मैं तैयार। मैं तारीफ इसलिए नहीं करता, हर टाइम कहती हम सब प्रीटी प्रीटी, हर टाइम ही कहती रहती है, तो तारीफ का मौका ही नहीं है ना, तो मैं हर टाइम कुछ। अगर आप तारीफ कर दिया करें तो फिर वो खुद कहना छोड़ देंगे ना, जब खुद ही अपने मुंह से कही जाना कि मैं नहीं, क्योंकि आप इतना एक्सपेक्ट कर करके कोई नहीं कर रहा, तो आप खुद ही अपनी तारीफ कर लो, आई एम सो प्रिटी। ओए होए कहने से सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले ही होता है शीशे के सामने खड़ी होकर एक औरत अपने आप को कह रही है मैं आई एम सो प्रिटी, और मैं होता ही मैं मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द प्रिटीस्ट ऑफ ऑल, मुझे तो ऊपर बहुत प्यार आता है, मैं क्या करूं, तुम अपनी फेवरेट हो क्या बात है, ये अच्छी बात है, आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए, तभी तो सारी उम्र ही खूबसूरत रहेंगी, क्योंकि जब अपने आप से प्यार करेंगे अपना ख्याल भी रखेंगे, समझा करें ना। अच्छा एक दूसरे की पसंद पे चलना जरूरी है या जरूरी नहीं है? गुड 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 गोइंग, सही है। नूर के हाथ से बने खाने की तारीफ करना जरूरी है कि नहीं? डर के मारे जरूरी है, खाने से पहले ही करना जरूरी है। हर हफ्ते नूर का मैके जाना जरूरी है या जरूरी नहीं है? हर डेली जाना जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, ये नई शादी होती तो हर हफ्ते तो दूर की बात है, ये एक दिन भी नहीं गुजरता माशाल्लाह, आधा दिन भी नहीं गुजरता भाई, मेरी अब एक चक्कर लगाना है इसमें लाजमी। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और मेरा एक ही पीस बाकी है, तो मैं ना कहती हूँ एक दिन में जो है ना जाके उनको जरूर मिलती जरूर, आई जस्ट मुझे अच्छा लगता है उनको देखना, उनको भी। और जब जिस दिन वो डांटती है उस दिन नूर का मुंह आता है, एक रोता हुआ मुंह लेके आ रही होती है 5 मिनट, लेकिन मुझे होता है कि उनको उनकी शक्ल देखनी और देखनी, ज्यादा से आधा घंटे बर्दाश्त नहीं करती वो, नूर को कह रही कोई ना कोई बात सुन के आ रही, बोल रहे हो कि रोज जाती है, आप मिलते हैं अपने घर वालों से जाकर? मैं मेरी फैमिली बहुत स्वीट है, ये इसको मैं मालूम है, ये अपनी फैमिली सबको सूट लगती है, ससुराल वालों को फिर होता है हाँ मेरी साथ नहीं, हाँ। ये इससे आप पूछ भी सकती हैं, नहीं नहीं इनकी फैमिली मॉम जो है वो बस जितने मर्जी तो गुस्से में अच्छी हमारी बच्ची है, देखें आपकी मॉम की मुस्तकिल तारीफें करें, नहीं नहीं वो है, चले इनकी अम्मी की तारीफ भी आप करें, ये बताऊं कि उनकी सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी अम्मी की सबसे अच्छी बात कि उन्होंने मुझे पैदा किया है, ये सही है बस। अच्छा हर रोज प्यार का इजहार करना जरूरी है कि नहीं? गुड गुड गर्ल्स एंड गुड गर्ल एंड गुड बॉय। अच्छा जी वली, अगर रात को घर देर से आए तो नूर को जागे रहना जरूरी है या नहीं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, ओके सो जाया फिर, नहीं तो आप पाबंद हो जाएंगे ना कि इतने बजे आए। नहीं नहीं एंड आई डोंट बॉदर बिकॉज उसका काम लेट नाइट तक चलता रहता है, गाने वाने बना रहे होते हैं। अच्छा और अगर जा भी रहे हैं फिर मेरा ऊपर से मैंने फातिमा के लिए उठना होता है, हाँ, सुबह 10 बजे बस हो जाती है, 11 बजे मैक्सिमम में, ये वाली चीज जरूरी नहीं। ठीक है, एनिवर्सरीज और बर्थडे पे एक दूसरे को गिफ्ट देना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, मोहब्बत बढ़ती है आपकी, बिल्कुल जी क्या बात है, काफी हद तक इनकी चीजें मैच हुई, क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल? अच्छा अगर मैं आप दोनों से पूछूं हनीमून पे गए आप लोग कि नहीं? काफी सारे हनीमून पे गए, स्पेशली ये डिसाइड करके कि ये हनीमून है। हम लोग वेगस गए थे, अच्छा लास्ट ट्रिप हम लोगों ने किया लॉस वेगस, हम लोग अच्छा और 5 डेज हम लोगों ने अपने लिए निकाले थे, हाँ वो एक उसको कह के, लेकिन वैसे हमने ट्रैवल बहुत किया है, हमने उमरा किया लास्ट, हमने लास्ट ईयर हम लोग वैलेंटाइन पे एक दूसरे को गिफ्ट दिया था उमरा करने पे, हम लोग गए थे दोनों फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट यही था, हम लोगों ने सोचा एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देंगे हम लोग, वही पैसे जो है ना वो हम लोग उमरे पे जाएंगे, तो माशाल्लाह हम उमरे पे गए, फिर उसके बाद हम इस्तांबुल भी गए थे, तुर्की गए, फिर बहुत ट्रैवल किए, अमेरिका वही वेगस, एंजॉय करते एक साथ इंडिया, हाँ बहुत बहुत एंजॉय करते, ट्रैवलिंग के दौरान तो लड़ाइयां झगड़े नहीं होते, बिकॉज ही लाइक्स टू स्लीप, नहीं 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 होते हैं, ऐसे नहीं होते, कॉन्सर्ट जिस दिन होता है मेरा उस दिन क्या होता है भैया, उस दिन सारी लड़कियां इनके ऊपर रुमड़ रही होती है और इनका 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 एक स्टाइल ही और होता है ना, उस दिन ये स्टार होते हैं कि माय गॉड, एक आर्टिस्ट है सिंगर, मैं समझता हूँ कि स्टेज की लैंग्वेज होती है, एक जस्ट आप शो रिकॉर्ड करते हैं ये भी शो करते हैं, तो मतलब स्टेज के ऊपर एक आर्टिस्ट की लैंग्वेज होती है, और वो कितने बुरे मूड में भी हो वो लोगों के साथ उसने स्माइल ही रखनी होती है, जैसे आप घर में लड़के भी आई है या कोई किसी मूड में भी है आपने कैमरे के ऊपर हंसना ही है, अब सामने जो फ्रंट रो में लोग बैठे हैं वो लड़कियां हैं, कोई भी है, अगर वो चीखें मार रही हैं आप
उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं गाते हुए ना, उनके लिए गा रहे हैं आई एम देयर फॉर यू बेबी, तो फिर मैं सहूंगी ना। और ये दूसरे गाने पे कॉन्सर्ट से बाहर मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं इनका काम तो नहीं खराब हुआ, मैं इसलिए चली जाती हूँ कि मैं नहीं देख सकती यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मैं चली जाती हूँ। मोहब्बत तो जलन है ना, क्या करें। शो था मियामी में और हम लोग तीनों परफॉर्म कर रहे हैं, हम भाई तीनों, तो उस वक्त हम लोगों का शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग तीनों, मैंने ये भी उस वक्त एज अ होस्ट गई हुई थी टूर पे हमारे साथ, तो मतलब ऑब्वियसली हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे। अब उस शो में ना मैं परफॉर्म किया, अब परफॉर्मेंस क्राउड वो चीखे मार रहा था, वो सारे लड़कियां और लड़कियां ही ज्यादा, मतलब माशाल्लाह इनकी बहुत फैन, फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो हम लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक मेल के लिए फीमेल भी होती हैं और फीमेल के लिए मेल होती हैं, ये तो एक है शोबिज में, तो परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरे गाने में एकदम मैंने देखा कि एक बंदी गायब है ना, बिल्कुल शो मैं ऑडियंस से ही बैठी हुई थी ना, पहले मैं देख रही थी, अब सामने लड़े थे दो गानों में तक सामने है, और तीसरे गाने देख के गा रहे होंगे, इन्हीं को देख के गा रहे। नहीं 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 भाई, मैं तो साथ आई हुई थी ना, मैंने मुझे क्यों देखना है, मैं उनको नहीं देखना जो शायद कल नहीं हो सकता है, यहाँ के कल नहीं, कल कुछ और भी हो सकता है ना, मतलब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गायब हो गई, नहीं ये गायब हो गई, शो तक एंड तक नूर नहीं है हॉल में, और हम लोग कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजर हॉल की सिक्योरिटी सब ढूंढ रहे हैं कि नूर गायब है। फिर होस्टिंग किसने की? मतलब हम लोगों ने खुद ही एंड में एंड कर दिया ना, हमारे जी हम लोग तशरीफ लाते हैं राजा बॉय, हम लोगों ने परफॉर्मेंस करके खत्म किया कॉन्सर्ट, उसके बाद पूरा होटल की सिक्योरिटी और ढूंढ रहे हैं मुझे, और हम लोग ढूंढ रहे हैं, और एक किसी बंदे ने बताया कि वॉक करी थी मैं बाहर एक प्लॉट पे जा, एक पार्किंग प्लॉट थी बहुत दूर होटल के बैक के ऊपर, वहां पे एक औरत बैठी हुई है, लेडी बैठी हुई है, और वो फोन देख रही है, और फोन कोई वाईफाई भी नहीं यूज कर रही, बस स्क्रॉल कर रही है वो फेसबुक को, और एक बंदी बैठी है, मैं मुझे किसी ने बताया गुजर पे कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, मैं नूर, वो तो पार्किंग लॉट में बैठी हुई, फिर आप गए मनाने, हम लोग गए, फिर हम लोग मैंने कहा गुस्से में, इन्होंने बोला अच्छा मेरा ये मसला ये है कि मैं ना एक्सप्रेस नहीं करती, एक तो मैं निकल इसलिए जाती हूँ कि यार कोई सीन क्रिएट ना कर दूं यहाँ पे, अगर गुस्सा बुरा है एवं मैं ज्यादा मुझे बुरा लगेगा देख रही हूँ, अच्छा मतलब कुछ ऑब्वियसली इनका प्रोफेशन है, इनको सबके साथ ऐसा करना पड़ता है, पर मुझ में बर्दाश्त नहीं है, बिकॉज मैंने भाई मैं मुझे नहीं पता था कि एक स्टार से शादी करके एक सेलिब्रिटी से ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, सलाम है उन सेलिब्रिटीज की वाइफ को जो करती है, सलाम है आपको, सीरियसली आपके हस्बैंड बिहाइंड द कैमरा चले गए ना, ही इज नॉट कमिंग लेके जाते, नहीं बताऊंगा कि जब आइटम सॉन्ग शूट कर रहे होंगे यासिर भाई, वो वहीं पे होंगी, नहीं वहीं पे तो होंगी, मैं थी मेरे आने से पहले, उन्होंने जो आइटम सॉन्ग कही थी लड़की, उसको खुद उठा के इधर उधर किया, वो जो हीरो ने स्टेप करना था वो उन्होंने भी किया, तो वो मेरे आने से था, वो मैं थी नहीं उससे मैंने एक बात कही, पता चल गया ये, मैंने यहाँ से एक बात की, मैंने कहा तुमने आज तक तो मुझे कभी गोद में नहीं उठाया, कहना तुम भी उतनी पतली हो जाओ जितनी वो थी, तो मैं भी उठा लूंगा, कब से मैं डाइटिंग में लगी हूँ खुदा के गद्दा, इसलिए पतली हुई हूँ मैं। एक्चुअली हमारा कसूर नहीं होता, आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि आपको हैंडल करना पड़ता है, मैं इसलिए उधर से चली जाती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट ना करूँ, या मेरा ये शक्ल देखेगा ही विल गेट अपसेट ऑन द स्टेज कि ये गुस्से में बैठी है। अब नूर कॉन्सर्ट पे नहीं जाती, मैं नहीं जाती हूँ, ये अब तो कोई कॉन्सर्ट में नहीं जाती, अगर कोई ये वैसे क्या होता है मियां बीवी पहले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन ये चीज क्यों होती है, हर किसी के साथ होती है, चाहे मैं हूँ यासिर है आप है नूर है या फिर कोई और इस तरह का शोबिज का कपल। अभी रिसेंटली हुआ एक चीज हम लोग लेकिन तो कॉन्सर्ट था, लेकिन ये भी तो चीज हुई ना कि आपने इनको कहा कि अब तुम सिर्फ मेरे साथ काम करोगी, मतलब मैंने एक्सेप्ट करना है लेकिन इन्होंने नहीं बर्दाश्त नहीं, ये भी तो हुई चीज ऑब्वियसली, ये तो हर पाकिस्तानी मर्द तो आप लोगों का वो है ना स्टैम्प ठप्पा है ना, ये शी इज माइन नाउ, अभी आप क्या कह रहे थे रिसेंटली, अभी एक चीज इन्होंने ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये कोई शो कर रहे थे कॉन्सर्ट करने वाले थे कोई कॉलेज में ना, तो मुझे बार बार सुना रहे हैं 10,000 लड़कियों में कॉन्सर्ट, 10,000 लड़कियों में, मैं सुनती रही, मैंने कहा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी, अच्छा दो तीन दिन में जब सुन सुन के ना मुझे तब चढ़ने शुरू किया, अच्छा यार 10,000 लड़कियां तो मैं क्या करूं, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अच्छा 10,000 लड़कियां मैं भी फिर जाऊंगी ना, लाइक नहीं तुम जाओगी तो ऑब्वियसली लड़कियां तुम्हें, तुम भी स्टार हो तुम्हें देखेंगी और हम लोग इरिटेट होंगे, मैं तंग होगा, तो इसने कहा तुम नहीं जाओगी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैं नाराज होगी इससे, दो दिन के बाद शो कैंसिल हो गया, बदवा लगी है, ऐसी तुमने नजर
लगाए. आप कोई शो होता ना तो मुझे नहीं बताता कि कितनी लड़कियां होंगी. अच्छा चलिए, ये तो मजाक की बात चल रही है, मगर हम एक और बड़ी अच्छी सी चीज आप दोनों के लिए हमने तैयार की है. आज हम आपसे वो सारी चीजें कराएंगे वाली जो आपने कभी नहीं नूर के लिए की. आज आपको सारा मौका मिलेगा करने का. अच्छा अब क्या करें? और फिर कल को ये आपको ताने नहीं दे सकेगी तुमने मेरे लिए ये नहीं किया ये नहीं. अच्छा मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मोस्टली कपल्स में होता है शुरू शुरू में जब फ्रेंडशिप होती है एक दूसरे के पीछे पीछे एक लड़का या लड़की एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं. हम दोनों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना मैं ज्यादा इनके पीछे लग गया या ना ये मेरे पीछे लगी. हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई और बहुत स्पीड से हम लोग फिर मूवी करने लग गए, तो फिर हम लोगों के वो चीजें हुई नहीं. अच्छा. जो एक टिपिकल कपल में होती है. मैंने आपने obviously नहीं हुआ. Really? Yes. आप मेरे घर के बाहर वेट करते थे? obviously कभी कभार कर लिया होगा. तो आपने पापड़ तो बेले सारी चीजें. यार ये तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि फ्लैशबैक हो रहा है ना. इजहार यासिर ने किया और कहता है कि यही मेरे पीछे पड़ी है. ये लियो 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 ये वीडियो के ऊपर सबसे पहले जब एक सीन था. Oh my God. जब मैंने ऐसे Don't get me started. नहीं 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 सीन था तो ऐसे मैंने हाथ पकड़ा इनका. हाँ. मुझे पीछे मुड़ गए थे आपका स्टार क्या है. नहीं मेरे को जुर्रत है ना एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया. हाँ. इन्होंने तो मैंने कहा ये कौन है. लियो पकड़ ही सकते हैं ना. लियो को तो इजाजत होती है. इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा मैंने कहा स्टार क्या है. फिर वो है लेकिन देखिए ये जो आप क्लियर कर रहे हैं ना हम दोनों ने एक दूसरे के लिए मैंने इनसे मोहब्बत की बहुत ज्यादा. हाँ. इसीलिए ये इन्होंने भी बहुत एफर्ट किया. इसी तरह से फिर रिलेशनशिप आपका चलता. हाँ. है जब मैं नाराज होती थी मनाते थे हर चीज पापड़ बेले. अब आप पापड़ ना करें पता नहीं आप किसको बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया. किसको बताना चाह रहे हैं? हाँ कि भाई मैंने हम लोगों ने कुछ नहीं किया. खुद ब खुद चीजें होंगे. खुद ब खुद नहीं आपने बहुत मेहनत की थी. इससे पहले कि अभी लड़ाई हो जाए. इससे पहले कि अभी लड़ाई हो हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. नाजरीन और हाजरीन एक ब्रेक के बाद सुलह सफाई कराने के बाद हम इनको एक मौका देंगे दोबारा से दिल कदमों में रखने का. वो कौन सा गाना था? रख दियो कदमों में. कर लो. हाँ ब्रेक के बाद हम आते हैं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कदमों में दिल कैसे रखा जाता है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बादलों के संग संग चल उड़ चल. पाकिस्तान मिस्टर मिसेस वली आज हमारे साथ हैं और बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं. अब रिलैक्स हो गए. ये सब होता है भाई जब मियां बीवी जब वो कहते हैं ना बर्तन होते हैं एक जगह तो खड़कते हैं पंजाबी में. और ये लोग नेचुरल है ना. ये लोग बनावटी नहीं है. नहीं जानू मैं आपके बगैर नहीं रह सकता. झूठ. बहुत सारे सोफे पे वो लोग भी आते हैं. मैं बल्कि आपके अक्सर शो देखती हूँ. मैं कहती हूँ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है. कोई भी नहीं होता. नहीं होता इतना परफेक्ट कि ओ माय गॉड जानू बस तुम ही तो हो. जिंदगी में लड़ाई ना हो तो क्या एडवेंचर. कोई मसाला नहीं होता. मजे की बात यही है कि हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं दोनों. हाँ. और एक दूसरे के मुंह पे बोल रहे होते हैं कि तुमने ऐसे किया था. हाँ. अच्छा कभी ये खराब तैयार हुई हो आप मुंह पे बोल देते हैं. हाँ हाँ मुझे मोटी के मोटी हो रही हो तुम देखो अपने आप को ये क्या किया. बाल नहीं बना रहे. वो जो छोटी है फातिमा. हाँ. वो कहती मामा आप मोटी हो रही. मोटी मोटी हो रही. कभी फातिमा और आप मिलकर कभी इनका रिकॉर्ड लगाया है. बहुत 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 लगता है. सोच है साथ मिल जाते हैं और फिर उसके बाद मेरी जो है ना खिंचाई हो रही होती है. लेकिन ये तो डायरेक्ट मेरे बालों कलर मेरा बहुत मजाक. हम कहेंगे नहीं अच्छी लग रही जो चेंज करके हो कपड़े. ये क्या पहना है तुमने. ये क्या ही इज वेरी ही इज लियो. तो आप सुनती हो फिर. मुझे सुनना पड़ता है लियो के आगे चलती है. गुस्सा चढ़ता है टाइम्स क्योंकि आपको इतनी इंडिपेंडेंसी की आदत थी मुझे और मैं ऑब्वियसली कि अपनी मर्जी अब लाने वाली हूं. अब ये किस चीज में आपको ज्यादा अच्छी लगती है. वेस्टर्न कपड़ों में साड़ी में सलवार कमीज में. सलवार पाकिस्तानी बात बोला. पाकिस्तानी सलवार कमीज. सलवार कमीज ये नहीं कि वेस्टर्न में ही पहनती. मैंने कभी इसको मना नहीं किया. हां नहीं. अच्छा बट ईस्टर्न कपड़ों में बहुत अच्छी लगती है. ओए होए नूर
मुझे आदत है ना जीन शर्ट बचपन से पहनने की, मुझे अजीब सा लगता है जिंदगी वो, मेरे लिए शलवार कमीज बड़ा बना ठहरा ड्रेस है ना, मतलब आई बी सिटिंग लाइक दिस तैयार हो गया मॉर्निंग शो पे, तो फिर लेकिन ये कि आई विल ऑब्वियसली चेंज आहिस्ता आहिस्ता. हां सही है. अब वो कदमों में देखे, हम सारी आपसे वो चीजें करवा दी है ना कि कल को आप सीना ठोक के कह सकेंगे ये मैंने की है तुम्हारे लिए नूर. हाँ चांद तारे तो तोड़वा दिए मैंने. अब आपने करना ये है, आपने नूर को आई लव यू आपको कहने में बहुत शर्म आ रही थी, यहाँ कोई बात नहीं आप लिख के कह दें ठीक है, मगर आपका नूर उसमें साथ देंगी. वो इस तरह कि ये यहाँ पे ये सामान है ठीक है, ये सामान है. हाँ हाँ आ जाए आ जाए, ये आप साथ लेके जाएंगे, नूर साथ ट्रैवल करेंगी, ये आपकी हेल्प करेंगी, मगर ये ट्रैवल ऐसे नहीं करेंगी. वो कहते ना कि जब आप कदम बढ़ाएंगे आगे तो रेड कार्पेट पे छा दिया जाएगा, नूर के कदमों तले आपने दिल बिछाना है अपना. हुई हुई हुई. मुझे पता है लियो मर्द ये सोच रहा होगा कि मैं झुकूंगा कैसे, झुकूंगा कैसे, मैं झुक के इसके कदमों पे कैसे दिल रखूंगा. लियो मर्द जो है ना उसके बारे में एक चीज ख्याल है कि आपको फोन पे बात हुई थी. नहीं प्रॉमिस नहीं. लेकिन लियो लियो जो मेल स्टार है उसके बारे में ये भी कहूंगी कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं मोहब्बत में भी और गुस्से में भी. मोहब्बत भी ऐसे ही करते हैं टूट के. हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है पता है. आइए दिनूर चले जी. हाँ ये आपके लिए और ये आपके, और मैं उधर जा रही हूँ. मैं देख रही हूँ आज के वली अपना दिल, वली को ये शो नूर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है नूर के कदमों में वली का दिल. ये आप भी करवा सकती हैं शायद और ने करवा रही है. क्या बात है दुला भाई, क्या बात है आपकी. चले जी यहाँ से स्टार्ट होंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करूँ. नहीं नहीं वही से हर्डल दिए हुए ना उसके अंदर से घुसेंगे ना. नहीं नहीं उसके अंदर से बहुत मुश्किल हो जाएगी. वो तो झील में गिर ना जाए. करती रेडी गेट. इसी पे रखेगी पैर नूर, उसके अलावा रख नहीं सकती. आप रखेंगे तो मैं रखूंगी पैर. लेकिन मुझे स्टार्ट करेंगे. चलिए रेडी गेट सेट गो. ओए होए क्या बात. क्या बात है ये तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नूर निकली पूरी देखना. ये वीडियो बनेगी मोहब्बत. ये देखे लियो की मोहब्बत, ये होती है मोहब्बत. बस ये पहुंच गए मंजिल तक, पहुंच चुकी है नूर. आई लव यू. चले जी ये ओके. आहा नजर आ रहे, शूट कर पा रहे हैं आप लोग. हाँ ओके ओके ओके. ओहो क्या बात है, क्या बात है. आइए जी थैंक यू सो मच. आप लोगों का इतनी प्यारी प्यारी एक मोहब्बत का इजहार हमारी तरफ से ये है, हमारी टीम की तरफ से. जाहिर है हम आपकी शादी में शामिल तो नहीं हो सके, और शादी भी आपकी बहुत सादगी से हुई थी आज, सच ज्यादा लोग भी नहीं थे, मगर यहाँ पूरा पाकिस्तान देख रहा. और जिसको ये शिकायत थी कि वो हाय उन्होंने शादी की तस्वीरें भी नहीं देखी, उन्होंने वीडियो भी नहीं देखी, उनके लिए एक हम मौका फराहम कर रहे हैं कि ये हम एक छोटी सी रस्म कर रहे हैं अपनी मोहब्बत का इजहार दोनों के लिए, और बहुत सारी दुआएं पूरे पाकिस्तान की बुजुर्गों की तरफ से आप दोनों के लिए कि आप दोनों हमेशा खुश रहें. थैंक यू. मुस्कुरा एक एक ही उसके नीचे दुपट्टा ये भी लेंगे. हाँ ना लड़का लड़का और लड़की दोनों माइयों की रस्म होती है तो ऐसी तो होता है. मेहंदी में इकट्ठे तो नहीं लेते, फैशनेबल मेहंदी होती है. अच्छा और ये पता अब तो खवातीन ने मेरी दुपट्टा लिया होता. ये देखिए मैं आप दोनों की रस्म कर दूंगी एक साथ. ये आपके आप लोग आपके घर में नहीं होते इस तरह होती है? नहीं होती, लेकिन एक दुपट्टे में नहीं होते. अच्छा अलग अलग होती. अलग अलग होती. चले फिर मैं भी अलग अलग होती. हमारे घर में होती है एक साथ लड़का लड़की को एक साथ बिठाया जाता है. और ये देखिए ये अच्छा ये मैं अच्छा ये पूरा उठा लेती हूँ. ये मैं इसके पत्ते पे लगाऊंगी. ये मैं हार पुरार पहनाना भूल गई, बहुत दिनों से शादी नहीं की ना, भूल गई हूँ ये, भूल गई हूँ. और क्या सारी सब चीजें सीख गई हूँ मैं. रस्में पैसे भी तुम लोगों ने कौन से रखे, मुझे शर्म भी आती है बाद में. अच्छा ओके समझ आ रहे हैं, अब नजर आ रहे हैं. ओके जी हाँ जी. और जो है वो दुल्हन को मैंने कुछ पहनाना है. गजे बजे भी पहनाने जी जी. ये मैं मेरे ऊपर अकेले पे बोझ डाल दिया. अच्छा पिन हाँ पिने में ही लगा रही हूँ, पिन ना तुम्हारे खराब करूंगी.
क्या खुशबू है वाह. आपको अच्छी लगती है आपकी बेगम ऐसे फूल वूल कभी गजरे वाले लाके देते हैं आप उन्हें? हमेशा लाके देते हैं हमेशा. यार ये बड़ी अच्छी चीज़ कहीं भी गजरे वाला वो रुकता है ना तो वो गाड़ी में. हमारे तो 15 साल सॉरी मैं आपको असल में मैं कह रही थी कि हमारे तो 15 साल हो गए तो मुझे तो पता नहीं कितने सालों से नहीं आए गजरे. नहीं वही होता है गाड़ी में जब भी बनाते बस वो अब शादी पुरानी होती तो यही होता है. दो फिल्मों के बाद वाकई में नहीं बनानी चाहिए. हाँ भाई अभी ये अंगूठी भी है वाह सो प्रिटी जी. और दुल्हा भाई आपके लिए ये हार. रागा बॉयज के क्या अच्छा जी. और आप लोगों को मिठाई पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ. अच्छी लग रही हूँ. अपने उनसे पूछो कहती क्या हो वैसे तुम बिहार से जान. अच्छा और आप क्या कहते हैं? जान ही कहते हैं. क्या जान जान तो शुक्र है कि इन्होंने बता दिया हमें वरना मैं अभी कहने वाली थी रिकॉर्ड लगाने वाली थी. क्या था उसके बाद तो जानते ये आप अपने जान को खिलाइए और ये आप अपनी जान को खिलाइए. बाल बाल बची हूं मैं. आप क्या कहती हैं यासिर को? मैं तो यासिर ही कहती हूँ. मैं मेरा मियाँ बहुत नॉन फिल्मी है. फिल्में बनाने वाला पहला बंदा बहुत नॉन फिल्मी बात उतार ले. आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का. थैंक यू सो मच. और बहुत सारी दुआएं मेरे सच्चे दिल से आप दोनों के लिए कि आप दोनों खुश रहें हंसते मुस्कुराते रहें एक दूसरे का साथ दें अच्छे बुरे वक्तों में एक साथ रहें और सपोर्ट एक दूसरे को करते रहें. जिंदगी इसी तरह कामयाब गुजरे. थैंक यू वी हैड अ ग्रेट टाइम कमिंग ऑन योर शो. और आप जितने भी लोग देख रहे हैं आई हैव स्पेंड माय होल लाइफ आप लोगों के सामने तो बहुत सी दुआएं आपकी जरूरत है मुझे कि हमारे रिश्ते को हमारे इस बंधन को नजर ना लगे और अल्लाह ताला जो है इसको कामयाबी से और खुशियों के साथ जो है वो गुजारें हम ये रिश्ता. आमीन सुम आमीन. आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने फीमेल फैंस को बता दे मेरी इतनी खूबसूरत देवी है मैं किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखती. साफ साफ बोल दे एक आंख आंख से देख लेता हूँ लेकिन आवाज निकल नहीं रही. आवाज निकल नहीं रही. निकाल मेरा 4 साल इतने खूबसूरत गुजरे इसके नूर के साथ कि ऑब्वियसली कि वो यहाँ तक इतना अच्छा सफर गुजरा है. ऊपर वाले से दुआ है कि आगे भी इसी तरह ये सफर को कामयाबी रहे बरकरार रखे. और मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग हैं जिनको शिकायत थी कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया उसकी रीज़न भी बता दी नूर ने कि डिस्क्लोज हम लोगों ने फिल्म की वजह से नहीं किया था. और आगे भी हम लोग इकट्ठे प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं हम लोग और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग क्रिएट भी कर रहे हैं. मूवीज भी आ रही हैं बना रहे हैं हम लोग उस पर काम चल रहा है. तो आप सबकी दुआएं चाहिए हम लोगों को. हम लोग इस क्या बात है जी वो बिल्कुल ही आज के शो के बाद तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब दुआएं देंगे आप दोनों को. थैंक यू सो मच. फीमेल फैंस हैं वो मुझे बद्दुआएं देंगी. नहीं नहीं बद्दुआएं नहीं देंगी वो इनकी भी फैंस है ना. जो आपकी फैंस है वो इनकी भी फैंस. बिल्कुल तो वो तो डबल डबल दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को आप दोनों? फैंस को यही है बस इसी तरह से हमें पसंद करते रहिए और आप हैं तो हम हैं. आइए सुनते हैं जाने से पहले एक जबरदस्त गाना फ्रॉम वली खान. चलो हाँ ओके जी ये माइक आपके लिए. चलेगा तो पूछे हाँ चेक्ट किया दिल को कनेक्ट किया तुझसे. राइट में बात करूं रॉन्ग ना मैं करूं प्यार पर टेक्स्ट करूं तुझसे. दिल मेरा बादशाह अंदर से निशा मैं पाके हाइट लॉन्ग तो ये छोटी. दिल बड़ा है रे we
होश उड़ाए दुख बुदन उड़ती क्यों जाए होठ गुलाबी दिल को सताए दिल हिजक हिजक हिजको लगाए दिल मस्त जबन पस्त करा होने लगा तेरे प्यार के विषय में होने लगा सुनो लेती दिल बड़ा नोटिले नोटिले दिल को कनेक्ट किया तुझसे राइट पे बात करूं रॉन्ग ना मैं करूं प्यार परफेक्ट करूं तुझसे दिल मेरा बादशाह मन का शहंशाह सब मांगे हैं दिल लॉक हो ये छोटी दिल बड़ा है रे दिल बड़ा नौकरी नौकरी नौकरी